सोचो कि एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर 4 क्लास होते हैं और हर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इस क्लास में हर एक क्लास दूसरे क्लास का एनिमी है और वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं हर एक लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए। पर जो इसमें सबसे खराब क्लास है उसके अंदर एक ऐसा लड़का है जिसके पास इतना दिमाग है कि वो हर एक चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है और वो फ्यूचर भी देख सकता है। ये लड़का इतना ओवरपावर्ड और इतना स्मार्ट है कि इसके सामने कोई कभी टिकता ही नहीं। लेकिन ये बंदे की एक स्पेशल चीज भी है कि ये अपने आप को कभी किसी और के सामने आने ही नहीं देता है। ये एकदम बैकग्राउंड में रहकर हर एक चीज करता है। ये एक प्रॉपर मास्टर माइंड है। वेल, यही एनिमे को मैं आज कवर करने वाला हूँ और इसका पहला एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी में आप लोग को बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है क्योंकि ये मेन कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है। ये लोगों के दिमाग से खेलता है और उन लोग को अपना पपेट बना के यूज करता है एकदम साइलेंटली। तो ये वीडियो आराम से लेट के देखिए, बैठ के देखिए, लेकिन पूरा देखिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वेल, स्टोरी के शुरुआत में हमें ये दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है कि इस दुनिया में क्या सब लोग इक्वल है। वेल, नहीं। हाँ, पैदा होते हुए सब लोग एक साथ ही पैदा होते हैं और उस वक्त सब लोग इक्वल होते हैं, लेकिन सिर्फ उस एक सेकंड के लिए। उसके बाद दुनिया चेंज हो जाती है। आप किस घर में पैदा हुए हो, क्या आपके पेरेंट्स अमीर है, क्या आपके पेरेंट्स गरीब है, क्या आपको अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है, क्या आपने अच्छा एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे लेके आए हो, ये सब चीज आपको इक्वालिटी से दूर लेके जाती है। और इसी वजह से ये दुनिया में कुछ भी इक्वल नहीं है। क्या आपके खत्म होने के बाद आपको हेवन मिलेगा कि हेल मिलेगा, ये हर एक चीज आपको इक्वालिटी से दूर लेके जाती है, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि वो लोग आराम से बैठे हुए रहते हैं एक बस में, जहाँ पे एक दादी जी को बैठना होता है एक सीट पे, लेकिन कोई भी उनको सीट नहीं दे रहा होता है क्योंकि यहाँ पे बैठा होता है हमारा अमेजिंग सा सिग्मा चैट बॉय, जो कि सिर्फ दिखता है सिग्मा की तरह, लेकिन वो सिग्मा नहीं है क्योंकि उसने किसी की दादी माँ को बैठने नहीं दिया। वो कहता है कि यहाँ पे मैं आके बैठ चुका हूँ, इसीलिए मैं बैठूंगा। तभी ये लड़की कहती है ठीक है, क्या कोई और इनको बैठने देगा। तो उसी वक्त एक लड़की उठती है और कहती है हाँ दादी जी, आप मेरी जगह बैठ जाइए। वेल, हमारा मेन कैरेक्टर खुद भी नहीं उठता है और वो देखता है कि उसके बगल में एक ब्लैक बाल वाली बंदी होती है, वो भी ऐसे ही बैठी हुई रहती है। इसके बाद ये लोग उतरते हैं और अपने स्कूल पहुंचते हैं। इस दिन होता है इन लोग का फर्स्ट डे स्कूल के अंदर और तभी हमारी एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर लड़की वाली और लड़के वाले के साथ। लड़की से लड़का कहता है कि मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ। तो लड़की कहती है कि तुम मुझे कब से घूर क्यों रही हो। तो वो कहता है कि इसका रीजन ये है कि मैंने देखा कि तुम बस पे नहीं उठी जब तुमको सीट देने के लिए कहा गया था। तो वो कहती है कि मुझे इन सब चीजों में नहीं घुलना है, इसीलिए मैं अपना काम कर रही थी और मैं बस पे नहीं उठी। ऐसा सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है। उसके बाद इनके स्कूल का प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है और सब बच्चों को इन्वाइट करता है। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक से एक बच्चे होते हैं। ओ भाई, ये बंदा स्टूडेंट कैसे है, ये टकलू बॉय कम से कम 40 साल का लग रहा है भाई। मीनवाइल यहाँ पे ये गुंडा क्या कर रहा है भाई, इसके बाल पर्पल कलर के हैं और ये लिटरली गुंडा है, इसने अपने शर्ट के बटन भी नहीं बंद किए हैं। स्कूल में गुंडे क्या कर रहे हैं। ओके, ये जो बंदी है ना, ये डेफिनेटली स्कूल की मेन हीरोइन होने वाली है, सब लड़के इसके पीछे पागल होने वाले क्योंकि इसके बाल ब्लॉन्ड कलर के हैं। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ बच्चे सो रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा उदास ही बैठा हुआ रहता है। इसका नाम सैड बॉय रखने वाला हूं मैं और ये जो ब्लैक गर्ल है इसका नाम मैं रखने वाला हूं ग्रम्पी गर्ल, क्योंकि ये हमेशा उदास ही रहती है ऐसा मुझे लगता है और हर वक्त चिढ़ी हुई रहती है। वेल, प्रेसिडेंट के स्पीच के बाद सब लोग जाते हैं अपने क्लास में और हमें ये दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सैड बॉय होता है वो होता है क्लास 1D में। यहाँ पे एक लड़की सबसे बात कर रही होती है और हमारा हीरो आराम से बैठा होता है। तभी उसके बगल में ये ग्रम्पी गर्ल बैठी होती है और वो कहता है कि अरे यार, अब मुझे पूरा साल तुम्हारे साथ बिताना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन, एक एक करके सब लोग अपना नाम सबको बताते हैं और हमारा हीरो कहता है अब मुझे मेरा टाइम वेस्ट करके अपना नाम सबको बताना पड़ेगा। मीनवाइल यहाँ पे एक बड़बोली लड़की होती है जो सिर्फ बकबक पे बकबक किए जा रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जब बारी आती है तो वो एकदम सुस्ती की तरह खड़ा होता है और बोलता है मेरा नाम है आयाको जी और मैं बस यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, बाय बाय, ऐसा बोल के वो चुपचाप बैठ जाता है। मतलब भाई तू कितना सुस्त है, कम से कम अपना नाम तो अच्छे से बोलता। वेल, इसके बाद हर एक इंसान यहाँ पे दोस्ती करने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक रेड बाल वाला बंदा रहता है जिसने अपने बाल के सर पे एक रोड बना के रखा होता है, जिगजैग लाइन। ये इसने जिगजैग लाइन क्या बना के रखा है, क्या इसने किसी के भागने के लिए एरिया बना के रखा है कि भाई तुम यहाँ से भाग के जाओ ट्रैक टाइप। नहीं भाई, ये यहाँ पे अपना टाई वाई निकाल के गुंडे की तरह बैठा होता है, बोलता है मैं यहाँ पे दोस्ती वोस्ती नहीं करने आया हूँ। उतने में एंट्री होती है इन लोग की टीचर की और इनकी जो टीचर होती है उसको देख के सारे के सारे बच्चे बोलते हैं वो ये तो बड़ी क्यूट है और मैं इनका नाम रखने वाला हूँ, इनका नाम असल में है चाबा शीरा, तो मैं इसको शीरा बोलने वाला हूँ। शीरा मैम की एंट्री होती है क्लास में। नहीं नहीं, ये शीला नहीं है, शीरा है। वेली सबसे कहती कि अभी तुम लोग 3 साल तक मेरे ही अंडर में रहोगे, स्कूल में बहुत सारे स्पेशल रूल्स है वगैरह वगैरह, तुम लोग स्कूल के कैंपस को नहीं छोड़ सकते, स्कूल के अंदर तुमको हर एक चीज मिलेगी। यहाँ पे इनके पास कैंटीन होता है, कैफे होते हैं, थिएटर होता है और तो और स्विमिंग पूल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, गेम जोन, थिएटर वेटर, हर चीज भाई बार तक है यहाँ पे। मतलब भाई तुम लोग स्कूल में हो कि कहाँ पे हो, तुम लोग लिटरली एक नए सिटी के अंदर हो। उसके बाद इनकी टीचर इनसे कहते हैं कि तुम लोग के हाथ में एक एक फोन है, उसके अंदर तुम लोग को तुम्हारे पैसे मिलेंगे जो किसी स्कूल के अंदर ही काम आएंगे। ऐसा बोल के ये सब बच्चों को 1,00,000 रुपए देती है। ब्रव, 1,00,000 रुपए कुछ होता है ये। वो कहते कि तुम्हें हर महीने के पहले तारीख को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और ये पैसे डिपेंड करेंगे तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर। इस स्कूल में हम लोग तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर 24 घंटा ध्यान रखने वाले हैं, तो तुम लोग अपने बिहेवियर को संभालो, उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे।
देंगे और इसी पैसे तुम्हें सर्वाइव करना है। फिर इसके बाद हमारा हीरो जो कि सुस्त बॉय होता है वो चल के जाता है और खुद के लिए कुछ सामान खरीदता है। मीनवाइल उसके बगल में होती है हमारी खड़ूस प्रिंसेस। खड़ूस गर्ल उससे कहती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो, मैं बस यहाँ पे सस्ता सामान खरीदने के लिए आई। यहाँ पे लोग सस्ते सामान लेते हैं और चुपचाप निकल लेते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें ये सस्ते वाले शैम्पू नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे पास तो लाख रुपए हैं। वो कहती है तू तेरा काम करना, क्यों मेरे साथ उंगली कर रहे। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि बाहर हमारा जो ये रेड ट्रैक वाला बंदा होता है इसके ऊपर कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, तो ये उनसे झगड़ा करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी हमारा हीरो यहाँ पे आता है और उसको देख के चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। मीनवाइल फिर स्कूल का अगला दिन होता है, सब लोग यहाँ पे दोस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो देखता है कि सबने बहुत सारे चीजें खरीद के रखी है, किसी ने गेम्स खरीद लिए हैं, किसी ने अपने लिए कपड़े खरीद के रखे और किसी ने ऐसे ही बहुत कुछ खरीद के रखा। तभी हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ और हाँ ओए खड़ूस लड़की तू भी अकेली ही है। तो वो कहती है मुझे अकेला रहना पसंद है तो तुम निकलो यहाँ से। तो हमारा हीरो चुपचाप निकलता है। तभी इसके पास आती है वो बड़बोली लड़की, वो इससे कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है चलेगा। फिर वो कहती है क्या मैं तुमसे थोड़ा बात कर सकती हूँ। तो ये कहता है ठीक है चलेगा। फिर वो कहती है कि देखो मुझे ये लगता है तुम ना वो खड़ूस लड़की के बहुत अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मेरी उससे बात करा सकते हो, मुझे भी उससे दोस्ती करनी है। मेरा प्लान ये है कि मुझे स्कूल के अंदर सब बच्चों से दोस्ती करनी है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, बस हम लोग अगल बगल में बैठते हैं और कुछ नहीं। वेल फिर ये सब सुन के ये बड़बोली लड़की हमारे हीरो का हाथ पकड़ते और कहती है कि प्लीज मेरी दोस्ती कराओ। फिर हमें दिखाते कि अगले दिन स्कूल में हर बच्चा सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई अपना फोन चला रहा होता है, कोई भी क्लास पे ध्यान नहीं देता, लेकिन उनकी टीचर उनसे कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही दिन पे दिन निकलते रहते हैं और हमारा हीरो बोलता है कि ओए खड़ूस गर्ल क्या तू मेरे साथ कैफे चलेगी, मुझे कुछ काम है तेरे साथ। तो कहती नहीं मैं कैफे नहीं आऊंगी। तो कहता चलना यार मुझे वहां पे जाने में अकेले बोर होता है। फिर ये लोग कैफे जाते हैं और कैफे में जैसे ही लोग घुसते हैं वैसे इनको दिखता है कि कैफे के अंदर बहुत भीड़ होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की अपना सीट छोड़ के निकलती है और हमारा हीरो और खड़ूस हीरोइन दोनों ही अपने लिए कॉफी लेके बैठते हैं। तभी यहाँ पे आती है बड़बोली लड़की, वो यहाँ पे आके इनके साथ बैठ के बात करना स्टार्ट करती है। तो हमारी जो खड़ूस प्रिंसेस होती है वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे लगा कि तुमने मुझे कैसे ना कैसे करके फंसाया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बिजी टाइम में कोई दो लोग उठ के निकल जाए और यहाँ पे बड़बोली लड़की आके मुझसे दोस्ती करे, मुझे इससे बात नहीं करना। ऐसे कह के वो निकल लेती है वहां से और हमारा हीरो और तो और बड़बोली लड़की दोनों का प्लान यहाँ पे फेल हो जाता है। वेल फिर इसके बाद बड़बोली हमारे हीरो से कहती है कि अरे मुझे माफ कर दो ऐसा ऐसा होगा। तो हमारा हीरो कहता है चलेगा कोई इशू नहीं। तभी हमें दिखाते हैं कि ऑफ कोर्स स्कूल की प्रिंसेस जो कि क्लास बी को बिलोंग करती है और इसका नाम होता है इची नोजे, नाम में ही इसके नाक है और इसकी नाक कितनी छोटी है। तो मैं मिस नोज को बोलूंगा कि मिस नोज यहाँ पे आके इन लोग से बात करते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बड़बोली है उसने मिस नोज के साथ भी दोस्ती कर रखी है और मिस नोज क्लास बी की सबसे फेमस गर्ल होती है। फिर इसके बाद ये लोग बात करते हैं कि यहाँ पे पैसे का सिस्टम कैसे है और इन लोग को जरा ध्यान में रखना चाहिए पैसों को कैसे यूज करना है। तभी बड़बोली कहती है कि तुम वो खड़ूस लड़की के साथ इतना क्लोज कैसे हो गए। तो हमारा हीरो कहता है मैं क्लोज नहीं हूँ, बस मैं उसके बगल में बैठा हुआ हूँ। फिर हमारा हीरो अपने घर पे सो रहा होता है और तभी कहता है कि हमें हर महीने लाख रुपए मिलेंगे, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जिंदगी बहुत अच्छी कटनी चाहिए। हमें फिर अगले समय दिखाते हैं कुछ और बच्चे यहाँ पे सामान खरीद रहे होते हैं, गेम्स लेते हैं, कपड़े लेते हैं और ऐसे ही अपने पैसे सब खर्च कर देते हैं। फिर ऐसे ही इन लोग का एक महीना कट जाता है और 1 मई का डेट आता है। तभी सब बैठे होते बोलते हैं कि सर हमें अब तक पैसे नहीं मिले, मैम हमें अब तक कुछ पैसे नहीं मिले हैं। हमें तब दिखाते हैं कि जो हमारा हीरो है उसके अभी भी 82,235 रुपीज होते हैं। तभी उनकी टीचर कहती है तुम्हें पैसे चाहिए, तुम लोगों ने पैसों के लिए कुछ काम कहाँ किया है, तुम लोगों ने पूरा महीना सिर्फ गेम्स खेले, क्लास में सोए, सिर्फ बक बक किया, फोन चलाया और मेरे किसी भी लेक्चर में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि क्लास डी को इस महीने एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था है ना कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, तो तुमने परफॉर्म किया ही नहीं पूरे में तो क्या तुम्हें कुछ दूंगी ही नहीं मैं, मूंगफली खाओ बेटा, ऐसे बोल के टीचर उनका मजाक उड़ाती है। ये सब सुन के सबका दिल टूटता है, वो लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें। फिर वो कहते हैं कि तुम लोग को एग्जाम में भी सबसे कम मार्क्स मिले हैं, तुम लोग कर क्या रहे हो, एक सिक्का नहीं मिलने वाला तुम लोग को अभी, और तुम सब के सब लिटरली गार्बेज हो, टट्टी से भी खराब हो तुम लोग, ऐसा वो इन लोग को कहती है। भाई ये टीचर बहुत सैवेज है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो ही तुम्हें ऐसे वीडियो देखने का मौका मिलेगा। वेल अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे पूल में नहा रहे होते हैं। मैं जानता हूं कि इस सीन के लिए सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सादा कुछ नहीं दिखाने वाला। हमारा हीरो मिस्टर सैड बॉय यहाँ पे बैठा होता है और तभी उसके पास आती है खड़ूस प्रिंसेस और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, बहन तू खुद उसके बगल में बैठ गई है, तू दिखा रही है कि तुझे उससे प्यार है। वेल तभी हमारा हीरो कहता है कि कुछ नहीं मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सारे बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उन लोग को इस महीने कुछ पैसे नहीं मिले और इसमें से कितने लोग ने तो अपने सारे के सारे पैसे खर्च भी कर दिए हैं। तभी वो कहती है कि इन लोग को क्या करना है इन्हें करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे मस्त पानी में नहा रही होती है और स्विम कर रही होती है। तभी हमें दिखा दे कुछ बच्चे अभी दूर रहते हैं, कुछ लोगों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया होता है और कुछ लोग ऐसे ही चिल कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनको याद आता है कि इनके स्कूल में एक सिस्टम वाला फंक्शन है जहाँ पे हर क्लास को रैंक दिया होता है ए से लेके डी तक और डी वाला क्लास हमेशा 0 पॉइंट पे रहता है और हमेशा लास्ट रहता है। तभी अगर ऐसा इनका क्लास रहा तो इन लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और इस सिस्टम का नाम होता है एस सिस्टम। इसमें क्लास ए 940 पॉइंट्स पे होता है, बी होता है 650 पे और सी होता है 490 पे। जो भी क्लास
क्लास ज्यादा पॉइंट्स कम आएगा उसका रैंक ऐसे ही अप होता रहेगा। तो अगर तुम क्लास ए में आ गए तो तुम एलीट बच्चों में काउंट किए जाओगे और तुम्हें बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा। वेल जैसे इनको जीरो पॉइंट मिला तो सारे के सारे बच्चे शॉक होते हैं, ये लोग बोलते हैं इसका क्या मतलब है। तभी इनकी टीचर कहती है कि अगर तुम लोग को आने वाले एग्जाम में 100 पॉइंट नहीं मिले तो तुम लोग किसी काम के नहीं रहोगे। वो कहती है कि जब तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री लिए तभी तुम्हारे क्लास के पास 1000 पॉइंट थे, लेकिन अभी तुमने तुम्हारे ऐसे गधे जैसे काम करके सारे के सारे पॉइंट्स खो दिए हैं। फिर वो कहती है कि अभी जो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें अगर तुम लोगों के मार्क्स फेलिंग मार्क्स के नीचे रहे तो तुम्हें डायरेक्टली स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के हमारे सारे बच्चों को शॉक लगता है और इसी बात पे हमारी खड़ूस लड़की और तो और उदास हीरो बात कर रहे होते हैं कि उनको मिड टर्म्स में कैसे भी करके पूरे क्लास को क्लास सी के रैंक पे लेके आना पड़ेगा। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्लास में से एक एक बच्चा नीचे जाएगा और इनका ओवरऑल रैंक भी कम होता रहेगा। फिर उसी वक्त यहाँ पे ये बड़बोली लड़की आती है और कहती है कि तुम लोग भी हमारे साथ स्विमिंग करना हो, लेकिन हमारी जो खड़ूस प्रिंसेस होती है वो यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। फिर यहाँ पे सारे बच्चे बोलते हैं कि अभी हमें कैसे भी करके मिड टर्म्स एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन तभी जो हमारा ये रेड स्पाइकी बॉय होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ाई से लेना नहीं है, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। मीनवाइल क्लास 1A के और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं क्लास डी को और कहते हैं कि हम लोग के पास 940 पॉइंट है तो हमें कैसे भी करके ऊपर ही रहना है। यहाँ पे होता है हमारा अजीब सा टकलू बॉय और तो और ये हल्के से पिंक वाले बाल वाली बंदी। फिर इसके बाद क्लास में हमारा हीरो देखता है कि एक एक करके सारे के सारे बच्चे अपने दोस्तों से पैसे मांग रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जो हमारी खड़ूस बंदी होती है वो हमारे हीरो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ लंच पे चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो हमारा हीरो बहुत बेकार इंसान नहीं होता है, ये इस मौके का फायदा उठाता है और यहाँ पे सबसे महंगी महंगी चीजें खरीदता है और हमारी खड़ूस लड़की के बहुत पैसे खर्च करवाता है। तभी यहाँ पे लोग बात करते हैं कैसे इन लोग को चाहिए कि इनके पूरे क्लास में हर एक बच्चा आने वाले एग्जाम में पास हो ताकि इनका क्लास ओवरऑल रैंक ए पे आ पाए। ये हमारी खड़ूस लड़की का सपना होता है क्योंकि उसे कैसे भी करके क्लास ए में पहुंचना है। तो ये कहते कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक स्टडी ग्रुप कंडक्ट करेंगे जहाँ पे जितने भी कम मार्क्स वाले बच्चे हैं जो कि 3-4 खड़ूस बंदे हैं उन लोग को हम लोग हमारे क्लास में लेके आएंगे और कैसे भी करके उनको पढ़ाएंगे, ऐसा इसका प्लान होता है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है तुमने अब जब मुझे खाना खिलाई दिया तो मुझे तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। फिर वो कहते कि अभी ये काम कैसे करना है ये सब तुम डिसाइड करो कि तुम उन बंदों को कैसे मेरे पास लेके आओगे, लेकिन हाँ मैं उन लोग को पढ़ाऊंगी। आई मीन खड़ूस लड़की कुछ तो कर रही है किसी और के लिए। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि उसने हमारे हीरो को अपना फोन नंबर दिया होता है और हमारा हीरो उसको पकड़ के रखता है। मीनवाइल वो जाता है हर बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन हर बच्चा उसको मना करता है और उसके ऊपर भड़कता है, कहता है कि हमें नहीं पढ़ना, तू तेरा काम कर भाई। और वो मस्त अपने बिस्तर पे सो के कहता है भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद वो फोन लगाता है हमारी बड़बोली बंदी को जो कि बस नहा के निकली हुई होती है। वो उससे कुछ तो बात करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है क्योंकि तुम सबकी दोस्त हो, तुम मेरे काम आ सकती हो और अगर तुमने ऐसा किया तो शायद से तुम्हारी दोस्ती हो पाएगी खड़ूस बंदी के साथ। तो ये सुनकर वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे काम तो बोलो। तो वो कहता है कि हमें एक स्टडी ग्रुप बनाना है जहां पे हम सारे बच्चों को पढ़ाएंगे जो कि इस वक्त फेल हो रहे हैं। तो वो कहती है बस मेरा ये कंडीशन है कि तुम इस स्टडी ग्रुप के अंदर मुझे भी आने दो। तो वो कहता है ठीक है तुम आ सकती हो, रुको मुझे एक बार खड़ूस बंदी से बात करने दो। वो खड़ूस बंदी को कॉल कर दो और खड़ूस बंदी उसको बोलती है कि नहीं इसको यहाँ पे नहीं आने देना है, अगर तुमने इसको आने दिया तो मैं तुम्हारा ये प्लान कैंसिल कर रही हूँ, ऐसे बोल के वो फोन काट देती है। इसके बाद हमारा हीरो ये सब चीज उसको बोलता है और वो कहती है ठीक है चलेगा कोई प्रॉब्लम, मैं फिर भी तुम्हारा हेल्प करूंगी। आई मीन ये बड़बोली लड़की कितनी अच्छी है यार, डेफिनेटली हर लड़के को ये पसंद होगी। आई मीन ये क्यूट भी तो है अच्छी खासी। फिर इसके बाद सारे बच्चे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारी खड़ूस बंदी इस रेड स्पाइकी बॉय की बेइज्जती करना स्टार्ट करते और कहते कि तुम कितने बड़े गधे हो, तुम्हें इतना सिंपल चीज भी नहीं आता, तुमने 1-174 कैसे लिख दिया भाई। ये सुन के रेड स्पाइकी बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो हमारी खड़ूस बंदी का कॉलर पकड़ के उससे कहता है कि मुझे पढ़ाई बड़े नहीं करनी, ऐसा बोल के वो वहां से चुपचाप निकल लेता है। और ये खड़ूस बंदी कहती है कि तू भी निकल यहां से, तू इतना बड़ा गधा है, तेको ये भी नहीं पता कि 1-1 0 होता है, 74 कैसे लिखा तूने। वो कहता है मुझे लगा 74 होता है। वेल तभी यहां पे सारे बच्चे बात करते और कहते कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग स्टडी ग्रुप कैसे करके ठीक करेंगे। लेकिन यहां से सब बंदे निकल लेते हैं और हमारी ये बड़बोली बंदी कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं कुछ न कुछ सोच के आती हूं। इसके बाद हमारा हीरो अपने रूम में मस्त लेटा हुआ रहता है और अपने फोन को देख रहा होता है। आई मीन भाई तेरे फोन में कुछ है नहीं, पूरा टाइम फोन पकड़ने से तेको किसी बंदे का कॉल नहीं आएगा, वेट करने पड़ेगा तेको भाई, या खा तू सामने से कॉल कर। इसके बाद वो निकलता है जूस खरीदने के, तभी वो देखता है कि जूस के डिब्बे के पीछे एक लड़का लड़की झगड़ा कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसे ये मालूम पड़ता है कि जो लड़का लड़की होते हैं उसमें से एक होती है हमारी खड़ूस बंदी और एक होता है स्कूल का प्रेसिडेंट, आई मीन स्टूडेंट काउंसिल का। ये लोग इस दुनिया के पुलिस फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल लोग होते हैं। इन लोग के सामने इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर भी कमजोर है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट मतलब भाई दुनिया का प्रेसिडेंट एक तरह से। ये बंदा हमारी खड़ूस बंदी को कहता है कि तुम मेरी बहन हो और तो भी तुम क्लास डी में हो, मुझे तुम पे शर्म आती है, तुम डी क्लास में कैसे आ गई, तुम्हें क्लास नंबर ए में आना चाहिए था लेकिन तुम मेरी बहन होकर मेरा नाम मिट्टी में मिला रही हो, ऐसा कह के ये हमारी खड़ूस बंदी के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी हमारा हीरो यहाँ पे आता है और इन लोग को रोकता है, कहता है कि तुझे एक लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो फिर चश्मिश प्रेसिडेंट हमारे हीरो पे हाथ उठाता है लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है। ये सब देख के वो कहता है कि ओ तुम्हारे पास तो एथलेटिक स्कोर है, तुम वही बंदे हो ना जिसका नाम आओकी जी है, तुमने हर एग्जाम में एग्जैक्टली 50 मार्क्स लाया है, ये तुम कैसे कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ दिमाग लगा के ऐसा कर रहे हो क्योंकि लिटरली इम्पॉसिबल है, या तो तुम्हें 49 मार्क्स मिलेगा या तो तुम्हें कोई और नंबर मिलेगा, लेकिन तुमने हर एक एग्जाम अब तक हमने 50 एग्जाम दिए, तुम्हें 50 में 50
ही मार्क्स मिले हैं 100 में से, एग्जैक्टली हाफ। तुम क्या दिखा रहे हो कि तुम एक एवरेज इंसान हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ न कुछ स्पेशल चीजें हैं। और हमारा हीरो कहता है तुका लग गया भाई। फिर यहाँ से प्रेजेंट निकलता है और फिर हमारे हीरो और तो और हीरोइन दूर दूर बैठ के जूस पी रहे होते हैं और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। वो कहता है मुझे बता के फायदा क्या होगा। फिर वो कहती तुमने तुम्हारे मार्क्स के सही में कुछ मिस्टेक किया था, फिर तुम्हें हमेशा 50 मार्क्स है। वो कहता है बस ये एक तुक्का लगा हुआ है बहन, दादा इसके ऊपर दिमाग मत लगा। फिर वो कहते हैं कि मुझे कैसे भी करके हमारे क्लास के बच्चे लोग को पास करवाना है वरना उन लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मुझे कैसे भी करके क्लास नंबर ए में जाना है। तो हमारा हीरो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये सब चीज मैं संभाल लूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाते कि ऐसे ही बच्चे अपना गेम खेल रहे होते हैं। बड़बोली बंदी उदास होती है क्योंकि उसकी दोस्ती नहीं हुई होती है हमारी शाणी बंदी के साथ, आई मीन ये खड़ूस बंदी के साथ। और इनके स्कूल का एग्जाम का दिन आ चुका होता है और इसका रिजल्ट आता है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट टॉप स्कोर किया होता है। इनके मार्क्स 90s 80s में होते हैं और जो सबसे खराब बंदे होते हैं उन लोग के मार्क्स 50 के आसपास होते हैं और हमारे हीरो ने 70 मार्क्स स्कोर किया होता है। ब्रव नाइस, ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि सारे बच्चे जाके हमारी बड़बोली बंदी को थैंक यू कहते हैं, कहते तुम्हारे वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स है। तभी हमारी एक खड़ूस बंदी कहती है कि ओए आयाको जी तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर किया क्या कि इन सब के सब लोग पास हो गए। फिर हमें दिखाते हैं एक फ्लैशबैक 3 दिन पहले का, उसमें हमें ये दिखाते हैं जो हमारा स्पाइकी बॉय होता है वो कुछ लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये बंदे होते हैं क्लास सी के और इस वक्त स्पाइकी बॉय एकदम से टेंशन में होता है। तभी यहाँ पे आती है क्लास बी की प्रिंसेस, ये यहाँ पे आके इनसे कहती है कि मेरा नाम है नोज और मैंने देख लिया कि तुम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हो, अगर तुमने यहाँ पे लड़ाई कंटिन्यू की तो मैं तुम लोग का कंप्लेंट कर दूंगी जिसकी वजह से तुम सबके पैसे कम हो जाएंगे। तो ये देख के हमारा स्पाइकी बॉय यहाँ से गुस्से में आके निकल रहा होता है, तभी हमारा हीरो इसको रोकता है। उसके बाद हमारी नोज वाली बंदी सब इनको बाय बोल के निकल लेती है। तभी स्पाइकी बॉय बोलता है ओए तुम रुक तो मेरी बात तो सुन, लेकिन हमारा स्पाइकी बॉय इसकी बात सुने बगैर निकलता है और वो यहाँ पे अपने बास्केटबॉल का ट्रेनिंग कर रहा होता है और खड़ूस बंदी उसको देखते कि उसका ध्यान नहीं होता है। मीनवाइल जब वो अपने घर जा रहा होता है तो खड़ूस बंदी उसके पास जाके कहती है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है मुझे जाके मेरा प्रैक्टिस करना है। तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे नोट्स बना के रखा है तुम ये नोट्स पढ़ लो और तुम पास हो जाओगे। वेल फिर एग्जाम के 2 दिन पहले का दिन दिखाते हैं जहां पे सारे के सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो बड़बोली बंदी को कहता है कि मुझे तुमसे एक काम करवाना है। फिर हमें दिखाते हैं कि बड़बोली बंदी और तो और हमारा हीरो दोनों ही जाते हैं ये तीसरे बंदे के पास जो कि सबसे बेकार होता है पढ़ाई करने में। कई लोग इससे कहते हैं कि तुम ये खराब खाना क्यों खा रहे हो? वो कहता है कि मेरे पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं खराब खाना खा रहा हूं। ये असल में होता है इन लोग का सीनियर। कई लोग इससे कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे 2 साल के जो भी एग्जाम हुए हैं मिड टर्म के उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, अगर तुम मुझे सही से क्वेश्चन बताओगे तो मैं तुम्हें 30,000 रुपए दे दूंगा। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है बस तुम मुझे सारे के सारे असली क्वेश्चन बताओ। तो ये हमारा हीरो कहता है कि नहीं मुझे 30,000 से कम नहीं चलेगा। तो हमारा हीरो कहता है कि 10,000। तभी हमारी जो बड़बोली बंदी होती है वो अपना चार्म यूज करती है इसके ऊपर और इन लोग का डील फाइनल होता है 15,000 रुपए में। इसके बाद हमारी बड़बोली बंदी और तो और हीरो दोनों ही बैठे होते हैं बेंच पे और ये लोग बोलते हैं अभी बस हमें आराम करना है क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर चेक किए और उन सब का आंसर सेम टू सेम हो रहा है, पिछले 3 साल से मिड टर्म का सेम एग्जाम पेपर आ रहा है। तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें ये सारे के सारे एग्जाम पेपर सब बच्चों में बांट देना है और उनसे कहना है कि वो लोग इसी के थ्रू पढ़ाई करें और इसी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक चीज तुम्हें उनसे कहना कि ये आइडिया तुम्हारा था मेरा नहीं क्योंकि सारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे मेरी नहीं। फिर हमें दिखाते कि एग्जाम का 1 दिन पहले रहता है और तब जाके हमारी बड़बोली बंदी सबको ये क्वेश्चन पेपर देती है और कहती है कि लास्ट 2 साल का क्वेश्चन पेपर है तुम लोग बस इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करो और कल का एग्जाम तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो सारे बच्चे ये सब लेते हैं लेकिन हमारा सिग्मा जैसे दिखने वाला बंदा नहीं लेता है और वो यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। फिर एग्जाम के दिन पे सारे के सारे बच्चे पास होते हैं, यहाँ तक कि इतने बच्चों को तो 100-100 मार्क्स भी आए होते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो 100-100 मार्क्स पड़े आए हैं इन लोग को। ये सब देख के हमारी टीचर बोलती है मैं तुमसे सबसे बहुत इंप्रेस हो चुकी हूँ, तुम सबके सब पास हो गए और तुम्हारा कोई बंदा फेल नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, एक बंदा फेल हुआ जिसको 39 मार्क्स मिले हैं और तुम्हारे क्लास का एवरेज मार्क्स पासिंग का है 40 मार्क्स, वो 1 मार्क से फेल हुआ है और ये बंदा कोई और नहीं हमारा रेड स्पाइकी बॉय है और इस वजह से रेड स्पाइकी बॉय को क्लास से निकाल दिया जाएगा और तुम लोग के क्लास का प्रमोशन 1 लेवल ऊपर नहीं जाएगा। ये सुन के सब लोग को शॉक लगता है, यहाँ तक कि रेड स्पाइकी बॉय भी एकदम से टेंशन में आता है। मतलब भाई तुझको 1 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल गया उसके बाद भी तू पास नहीं हो पाया, कितना बड़ा ढक्कन है। नो वंडर इस बंदे ने 1-174 लिखा था। इसके बाद उनकी टीचर इनको बोलती है अब तुम लोग उम्मीद छोड़ दो, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है और सारे बच्चों का दिल टूटा हुआ रहता है। लेकिन तभी हमारा हीरो यहां से चुपचाप निकलता है और अपनी टीचर का पीछा करता है। वो ऊपर जाके बोलता है कि बहन तुम सिगरेट क्यों पी रही हो, मुझे तुमसे बात करना है। टीचर बोलती है बोलो क्या बात है। वो कहता है क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम एक टीचर हो तो क्या तुम मेरे कुछ पॉइंट्स लेके मुझे एक सिंगल मार्क दे सकती हो जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस दोस्त स्पाइकी बॉय को दे दो। तो टीचर कहती है कि तुम मुझे पैसे देके मार्क्स खरीद रहे हो, इतने शाड़े बन रहे हो तुम। तो वो कहता है तुमने मुझसे पहले ही दिन पे कहा था कि इस स्कूल में हर एक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है तो यहां तक कि मार्क्स भी ले सकते हैं। तो टीचर कहती है आह सही पकड़ा है बेटा तुमने मुझे, लेकिन मुझे 1,00,000 पॉइंट्स लगेंगे, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो हमारा हीरो कहता है मेरे पास सिर्फ 62,000 है। उसी वक्त यहाँ पे आती है खड़ूस बंदी और वो कहती है कि मेरे पास 88,000 पॉइंट्स है, तो हम दोनों के पॉइंट्स मिला के तुम 1,00,000 पॉइंट्स ले लो और हम लोग को 1 मार्क दे दो। तो टीचर कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तुम लोग का मैं ये बात मान लेती हूँ, ऐसा बोल के वो
इन लोग से 100,000 पॉइंट्स लेती है और इन लोग को 1 मार्क देती है सिगरेट पीते पीते। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास ए के पास होते हैं 1004 पॉइंट्स, बी के पास होते हैं 663 पॉइंट्स, सी के पास होते हैं 492 पॉइंट्स और डी क्लास फाइनली 0 पॉइंट से 87 पॉइंट्स पे आ चुका होता है। इस वक्त ये लोग बोल रहे होते हैं क्लास सी हमारे पास पहुंच रहा है, इसीलिए हमें कैसे भी करके क्लास ए को ऊपर रखना है। मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा कि टकलू बंदा एक स्टूडेंट कैसे है, ये 15 साल का कैसे हो सकता है, 50 साल का लग रहा है भाई ये, और इसके बगल में जो लड़की खड़ी है भाई ये लिटरली 10 साल की बच्ची लग रही है। फिर इसके बाद हमारा हीरो और हीरोइन बैठ के बात कर रहे होते हैं कैसे इन लोगों ने उस बंदे को बचाया। तभी वो कहता है कि तुमने तुम्हारे मार्क्स क्यों फेंके, तुमने तुम्हारे पैसे मुझे क्यों दिए। तभी हमारी खड़ूस हीरोइन कहती कि मुझे तुम्हारा स्टाइल नहीं पसंद है, ऐसे कह के वो कंपस लेके उसको भोंकने वाली होती है लेकिन उसको भोंकती नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो के रूम में सब बच्चे मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। इसमें होते हैं हमारे स्पाइकी बॉय, हमारी खड़ूस बंदी, हमारी बड़बोली बंदी और तो और बाकी सब बच्चे भी यहाँ पे बैठ के मस्त पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो कहते हैं तुम लोग मेरे रूम में क्यों खा रहे हो भाई, और जो बड़बोली बंदी होती है वो हमारे हीरो से बहुत चिपकती है, कहती है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो वगैरह वगैरह, और थैंक यू सो मच तुमने यहाँ पे खड़ूस बंदी को भी लेके आए हो। तो बड़बोली उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन खड़ूस बंदी उसके बात का जवाब नहीं देती ठीक से और ये चीज बड़बोली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सारे बच्चे यहाँ से निकल लेते हैं और ये बड़बोली बंदी हमारे हीरो की मदद कर रही होती है उसके रूम को साफ करने के लिए। उसके बाद वो यहाँ से निकलती है, तभी हमारा हीरो देखता है कि वो अपना फोन पीछे भूल गई होती है। तो हमारा हीरो उसका पीछा करता है उसको फोन देने के लिए, लेकिन ये जाती रहती है एक अंधेरी गली में और ये पानी के एक इलाके के पास आके अपना रूप बदलती है। ये एकदम से खड़ूस और गुस्से वाली बनती, कहती है कि अबे ये खड़ूस बंदी मुझसे बात क्यों नहीं करती है, इसको क्या लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, सबसे सुंदर ही है, इसको क्या लगता है कि सारे लड़के इसके पीछे पागल है, इसको मैं मार दूंगी, इसको मैं तोड़ दूंगी, ऐसे कह के ये पागल हो रही होती है यहाँ पे। ये लिटरली बड़बोली बंदी से एकदम से खतरनाक बनती है, जितनी ये क्यूट थी उतनी खतरनाक दिख रही होती है यहाँ पे। और ये इस रेली को क्यों मार रही होती है, ये कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम एक गाय हो। उसी वक्त इसका फोन बजता है और ये बोलती है कौन देख रहा है मुझे, और हमारा हीरो चुपचाप यहाँ से बाहर आता है और बोलता है मैं था। तभी ये लड़की गुस्से में जाती है और इसको पकड़े कहती है कि ओए तूने सब सुन लिया ना, तो हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैंने बोलू कि नहीं सुना तो तुम मेरी बात मानोगी, तो ये बोलती नहीं, ऐसा बोल कि वो उसको पकड़ती और अपना मुंह उसके मुंह के सामने रखती और कहती है कि अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया कि मैं कैसी, तो मैं सबसे कहूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा और मेरे साथ गंदी गंदी चीजें की। तो हमारा हीरो कहता है कि अच्छा कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वो कहती है कि ठीक है मेरे पास तुम्हारे हाथ के फिंगरप्रिंट है जो कि मैं मेरे कपड़ों पे लगा दूंगी, ऐसे कह के वो हमारे हीरो को फंसाती है। तो हमारा हीरो कहता है टेंशन मत लो मैं किसी को भी ये सब नहीं बताने वाला, तो वो कहती है ठीक है चलेगा, ऐसे बोल के वो अपने वापस नॉर्मल से रूप में आती है। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं अब से इस बंदे को कभी ट्रस्ट नहीं करने वाला, आई मीन भाई ये लड़की एक सेकंड में सबसे क्यूट बंदी से सबसे खतरनाक बंदी बन सकती है, कैसे इस स्कूल में तो हर बच्चा एकदम डिफरेंट है यार। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास बी की जो टीचर होती है उसने बहुत सारा जूस पी के रखा होता है, इसीलिए उसका ध्यान नहीं होता है क्लास में। फिर वो सबको बोलती है कि तुम्हारे पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं, इसीलिए क्लास बी के सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और हमारी मिस नोस के पास जाके उसे हग करते हैं। मीनवेल हमारा हीरो लिफ्ट का वेट कर रहा होता है, तो वो देखता है कि हीरो के सामने जो लिफ्ट खुलता है उसके अंदर होती है ये बड़बोली लड़की और तो और ये घमंडी लड़की, ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि जो ये बड़बोली लड़की है ये एकदम से डिफरेंट इंसान होती है रात के टाइम पे, और अकेले में तो ये एकदम से अलग ही है, मुझे इससे थोड़ा डर लग रहा है, आई मीन समझ सकता हूँ भाई, लेकिन वो नॉर्मली बिहेव करती है स्कूल में सबके सामने एकदम क्यूट बनने की, यहाँ तक कि मिस नोस के सामने वो सेम बात करती है और मिस नोस कहती है कि ये बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो वो कहती नहीं नहीं ये बस मेरा दोस्त है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास डी को इस बार भी कुछ भी पैसे नहीं मिले होते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इनके पैसे थोड़े दिन बाद आने वाले होते हैं, इसीलिए सब बच्चे थोड़ा टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही 1 महीने से पैसे नहीं थे। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्कूल के बाद हमारा हीरो मिस्टर सैड बॉय ऐसे ही चल के जा रहा होता है कि तभी उसे दिखता है कि उसके सामने मिस नोज बैठी होती है और वो उससे कहती है कि उसको थोड़ी हेल्प चाहिए, उसको किसी ने एक लव लेटर भेजा है और वो इंसान आज आके उसको अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। तो मिस नोज चाहती है कि हमारा सैड बॉय उसका बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करे ताकि हमारी मिस नोज उस बंदे या बंदी को मना कर सके, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस इंसान को सामने से बोलो कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो, क्योंकि उस इंसान ने बहुत मेहनत करके तुम्हें एक लेटर लिखा है और वो बड़ी हिम्मत करके यहाँ पे आएगा, तो डिजर्व करता है कि तुम उसे सच बात तो बता दो। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आती है ये एक लड़की जो कि एकदम फूल वाली होती है, इसके सर पे एक फूल पहना हुआ होता है, ये कहती है कि अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, ऐसे बोल के रो रही होती है। तो हमारी मिस नोज उससे बात करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चों को उनके पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और हमारे हीरो को इस वक्त 0 पॉइंट्स मिले होते हैं और यहाँ से वो लड़की रो रो के भाग रही होती है। तभी मिस नोज यहाँ पे आती है और इसको थैंक यू बोलती है, कहती है तुम्हारी बात सुन के मैंने मेरी ट्रू फीलिंग्स उसको बता दी और अब मुझे अच्छा लग रहा है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट एक नोट देख रहा होता है और उसके पीछे 2 आलू वाली बंदी होती है जिसके सर में 2 आलू लगे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल में क्लास सी के बच्चों ने हमारे रेड स्पाइकी बॉय के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल किया होता है क्योंकि इस बंदे ने उन लोग को मारा होता है, ऐसा इसके पास कंप्लेंट आया होता है। तो ये कहता है कि नहीं नहीं ये स्टोरी एकदम से अलग है, ये लोग झूठ कह रहे हैं, मैंने उनको नहीं मारा है, लेकिन कोई भी हमारे हीरो की यहाँ पे बात नहीं मान रहा होता क्योंकि उसने पहले से ही बहुत बार मारामारी की होती है और वो एक एग्रेसिव बंदा होता है, इसी वजह से टीचर कहती
कि अगर क्लास सी का ये कंप्लेंट सच माना गया तो क्लास डी में से हमारे स्पाइकी बॉय को बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि क्लास सी में जो उनका मेन लीडर होता है वो होता है ये गुंडा वाला बंदा। इस बंदे ने अपने बटन अब तक बांधे नहीं है और ये स्कूल के अंदर दारू कैसे पी रहा है। भाई तुम लोग स्कूल में हो, तुम्हें दारू कैसे मिल रहा है? और इसके पर्सनल असिस्टेंट भी है। और ये भाई, ये बंदा कौन है? इसका बॉडीगार्ड भी यहाँ पे, अरे भाई, जो कि अफ्रीकन मैन है। ओ भाई, ये बंदा सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। लो भाई, इस बंदे के पास एक बॉडीगार्ड है जो कि एकदम प्रॉपर गीगा चैट के जैसे दिखता है और उसके बाद ये दूसरे बंदे के ऊपर जूस फेंक रहा है। ये बंदा डेफिनेटली एक गुंडा है भाई। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए रहते हैं और यहाँ पे बात कर रहे होते हैं हमारे रेड स्पाइकी बॉय के बारे में कि वो इस वक्त एब्सेंट है स्कूल से। और सब लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग मिलके यहाँ पे विटनेस ढूंढेंगे और क्लूज ढूंढेंगे ये साबित करने के लिए कि हमारा रेड स्पाइकी बॉय एकदम से इनोसेंट है। लेकिन इस वक्त ये हल्के से पिंक वाली बंदी एकदम से शर्मा रही होती है और इसका बिहेवियर कुछ नॉर्मल नहीं लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे सारे क्लूज ढूंढ ढूंढ के थक चुके होते हैं लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। उसी वक्त यहाँ पे आती है मिस नोज और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि मिस नोज की मदद से इन लोगों ने यहाँ पे एक पोस्टर लगाया होता है जिसपे लिखा होता है कि अगर तुम्हें उस फाइट के बारे में कुछ भी पता है तो तुम लोग हमारे पास आके हमें इन्फॉर्मेशन दो और उसके बदले में हम लोग तुम्हें थोड़े पॉइंट्स देंगे। और यहाँ पे इन लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होता है लेकिन उसमें से क्या सच है क्या झूठ है इनको कुछ पता नहीं होता है। मीनवाइल हमारी मिस नोज हमारे हीरो को पॉइंट्स ट्रांसफर करके दिखा रही होती है, तभी उसको दिखता है कि मिस नोज के पास इस वक्त 2 मिलियन के ऊपर पॉइंट्स है जो कि किसी बच्चे के पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये देख के हमारे हीरो को थोड़ा शॉक लगता है, वो बोलता है कि इसके इतने पॉइंट्स कैसे आए, लेकिन वो अभी भी सैड बॉय बन के बैठा होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो के रूम में सारे बच्चे बैठे होते हैं, हमारे तीनों बॉयज होते हैं स्पाइकी बॉय को लेके और तो और बड़बोली बंदी भी यहाँ पे होती है और ये लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं। और इन लोग को तब मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो का जो चाबी है उसका डुप्लीकेट इन लोगों ने पहले ही बना के रखा है अपने पास ताकि ये लोग किसी वक्त हमारे हीरो के रूम में घुस सके। भाई इस बंदे के पास कुछ प्राइवेसी नहीं है, सोचो ये रात में कोई काम कर रहा हो और इसके दोस्त लोग इसके घर में घुस जाइए बस नहा के बाहर निकला हो। अरे भाई, ये एनिमे के अंदर कुछ भी हो रहा है। और उसी वक्त यहाँ पे आती है हमारी खड़ूस बंदी, वो देखती है कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे हैं तो यहाँ से चुपचाप निकल लेती है लेकिन हमारा हीरो उसको रोकता है और कहता है कि तुम हमारे साथ अंदर आ जाओ। तो ये अंदर आती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि असली कल्प्रिट कौन है? तो हमारा हीरो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वो कौन है और वो है साकुरा। और साकुरा कोई और नहीं, हमारी ये पिंक बाल वाली बंदी होती है। इन लोग को लगता है कि जो पिंक बाल वाली बंदी है इसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखा है। और तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि इसने उनका फाइट देखा होता है, जहाँ पे जो फाइट हुआ होता है उसका पूरा पूरा फुटेज इस बंदी के पास होता है। तो ये लोग उसको कॉल करते लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी हमारा हीरो बोलता है जब हमने बात किया था कि किसने देखा है विटनेस को, उसी वक्त हर एक इंसान हमारे रेड बॉय को देख रहा था लेकिन सिर्फ यही पिंक गर्ल थी जो कि उसके पास नहीं देख रही थी। तो इसका ये मतलब है कि पिंक गर्ल ने डेफिनेटली देखा है कि वहां पे क्या फाइट में हुआ है। तो अब हमको जाके इससे बस सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है। वेल, इसके बाद रात के टाइम पे हमारा हीरो और तो और बड़बोली बंदी ऐसे वॉक कर रहे होते और बात कर रहे होते कि इन लोग को क्या करना चाहिए आगे के बारे में जानने के लिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अगले दिन हमारी जो ये बड़बोली बंदी होती है वो जाके पिंक गर्ल से बात करती है और उससे कहती है कि उसको उससे कुछ बात करना है रेड बॉय के बारे में। तो ये सुन के पिंक गर्ल वहां से भागने लगती है और उसके हाथ से उसका कैमरा गिरता है और वो खुद भी गिरती है और उसका कैमरा खराब हो जाता है। तो वो अपना कैमरा बनवाने के लिए वहां से भागने लगती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पिंक गर्ल को भागता हुआ देख हमारा हीरो कहता है कि ये इसीलिए दूर भाग रही है लोगों से क्योंकि इसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन वो हमारे हीरो और तो और बड़बोली बंदी को पकड़ती है और उनसे कहती है प्लीज क्या तुम मेरे साथ मार्केट में चल सकते हो, मुझे मेरा कैमरा फिक्स करवाना है। तभी हमारा हीरो अपने मन में कहता है कि ये इसीलिए ऐसा कह रही है क्योंकि इसे लोगों से बात करने में डर लगता है। ये एक इंट्रोवर्ट की भी इंट्रोवर्ट है, मतलब बहन तू ऐसी कैसे है, चश्मा तक इसने आधा वाला पहना है, इसके चश्मे में कुछ ग्लासेस भी नहीं है। फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं एक कैमरा वाले बंदे के पास और वो बंदा इसका कैमरा लेके उसको ठीक करने की बात करता है और वो कहता है कि आपका कैमरा वारंटी पीरियड में है लेकिन ये हमारी पिंक गर्ल को एकदम गंदी नजरों से देख रहा होता है और ये चीज हमारा हीरो नोटिस करता है। यहाँ पे एक कैमरा और पड़ा होता है जो कि हमारी पिंक गर्ल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये बंदा डेफिनेटली कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, मुझे इसका 100% आइडिया है। इसके बाद वो हमारी पिंक गर्ल से कहता है कि तुम इसके अंदर अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस लिख दो। ऐसे बोल के वो एकदम से अजीब सा दिख रहा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि अरे ये काम मैं कर लूंगा और वो कहता है इसके अंदर फोन नंबर और ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी भी वारंटी पीरियड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी इशू हुआ तो मैं यहाँ पे आके कैमरा ले लूंगा, तुम्हें मेरी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो हमारी पिंगल को बचाता है। उसके बाद पिंगल सबको थैंक्स बोलते और यहाँ पे जूस पीने के लिए बैठती है लेकिन इसी बीच में हमारी जो बड़बोली बंदी होती है उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर इसके बाद हमारा हीरो पिंगल से कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, तुम्हें अगर रेड बॉय के बारे में कुछ बोलना है तो तुम बोलो, अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो तुम वो सबूत दो लेकिन तुम तुम्हारे बारे में सोच के ऐसा करना। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुमने ये सबूत दिया तो तुम तुम्हारा ही अच्छा करोगी क्योंकि इन टर्न हमारे क्लास का बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सब सुन के हमारी पिंगल सोचते कि हाँ उसे सबूत दे देना चाहिए। फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारी जो बड़बोली बंदी होती है वो हमारे हीरो को अपने रूम में लेके जाती है और उसको दिखाती है पिंगल के कुछ फोटोज। और पिंगल एक ओनली ब्रफ, मैं इस चीज का नाम भी नहीं ले सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर क्योंकि अगर मैंने इस चीज का नाम लिया तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। बस मैं आपको ये बोला कि जो पिंगल है ना वो इंटरनेट पे एक अलग ही बंदी बनती है। वो लोगों के सामने एकदम इंट्रोवर्ट है लेकिन इंटरनेट पे वो एकदम से एक्सट्रोवर्ट होती है। वो अपने फोटोज अपलोड करके लोगों से पैसे कमाती है इंटरनेट पे। फिर उसी वक्त इन लोग को मेल आता है कि जो हमारी पिंगल है वो रेडी है हमारे रेड बॉय का हेल्प
हेल्प करने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन सारे के सारे बच्चे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग रेडी होते हैं जाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल से मिलने के लिए। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो हमारी घमंडी बंदी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारा वहां पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम ही हमारा हेल्प कर सकते हो इन सब में। फिर यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूम में सब लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे होता है हमारा स्पाइकी बॉय, हमारी घमंडी बंदी, सैड ब्रोस्की उनकी टीचर, और तो और सामने होते हैं क्लास सी के तीन लड़के जिनकी हालत इतनी खराब होती है कि भाई अगर रेड बॉय ने इनको मारा है तो मैं रेड बॉय के ऊपर बहुत प्राउड फील करूं क्योंकि ये बंदे ने अकेले इनकी हालत इतनी खराब कर दी, भाई रिस्पेक्ट है तुझे। और उनका टीचर भी यहाँ पे होता है। लेकिन इन सबके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। आई मीन ये बंदे के पास टीचर से ज्यादा पावर है, ऐसा कैसे होता है भाई, ये एनिमे कुछ भी दिखाता है यार। फिर यहाँ पे टीचर इनसे कहती है कि सर आप आपका प्रोसीडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सब लोग झूठे झूठे गवाह देते हैं, कहते हैं कि इन लोग के ऊपर पहले रेड बॉय ने हमला किया, ये लोग तो बस वहाँ पे अपना गेम खेल के चल रहे थे कि रेड बॉय ने इनको बुलाया, बोला कि अरे मेरे पास सर आओ तो मुझे तुमसे काम है। तो हमारे तीनों लोग गए रेड बॉय के पास, फिर रेड बॉय ने इनको मारना स्टार्ट किया, ऐसी कहानी ये लोग इनको कहते हैं। तो रेड बॉय बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ मैं बोलता हूँ कि मैंने इन लोग को मारा था क्योंकि इन लोगों ने पहले मेरे ऊपर हमला किया। लेकिन ये लोग कहते हैं तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो इसमें पहले पहले तो क्लास सी जीत रहा होता है, तभी हमारा हीरो अपना मास्टर प्लान यूज करता है। वो हमारी घमंडी लड़की का पेट पकड़ के उसको गुदगुदी करता है और बेचारी तड़प रही होती है और वो ऐसी खड़ी हो जाती है, और ये सीन बहुत फनी होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी घमंडी लड़की बोलना स्टार्ट करती है, वो कहती है कि अगर तुम तीनों लोग एक साथ थे तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम तीन लोग एक बंदे से कैसे मार खा लिए, वो बात हटाओ। अगर तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे बास्केटबॉल के प्रैक्टिस के बाद ये सब हुआ तो तुम में से तो सिर्फ एक बंदा बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता है, बाकी दो लोग तो प्रैक्टिस करते नहीं, तो तीन तीन लोग एक साथ क्या कर रहे थे रेड बॉय के साथ, तुम लोग की स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो ये सब सुन के जो क्लास सी के लोग होते हैं उनकी थोड़ी हवा टाइट होती है। फिर लेकिन वो लोग कैसे भी करके इस बात को घुमाते हैं और हमारी क्लास डी के लोग यहाँ पे हार रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री होती है हमारी पिंक गर्ल की, वो कहती कि मेरे पास सबूत है, और वो कहती कि मैंने पूरी फाइट देखी थी और तो और मैंने उसका फोटो भी लिया था, ऐसा कह के वो अपना कैमरा आगे करती है। और ये कैमरा को चेक करने के पहले क्लास सी का सर बोलता है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई हो, अगर तुम्हारे पास सबूत था तो तुमने पहले ही बोल दिया था, तुम तो काप रही हो, मैं तो हमसे झूठ कह रही हो। तो हमारी साकुरा जो कि पिंक गर्ल होती है वो कहती कि नहीं मैं आपको सबूत दिखाती हूँ, ऐसा कह के वो अपने कैमरा को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे इन लोग को दिखता है इसके खतरनाक खतरनाक फोटोज। आई मीन ये बंदी में बहुत डेयरिंग है, इसने अपने क्लास के सामने अपने इतने खतरनाक फोटोज दिखा दिए। और उसके बाद आता है इसका सबूत वाला फोटो जहाँ पे इसने एक सेल्फी लिया होता है और उसके पीछे तीनों लोग मिलकर हमारे रेड बॉय को मार रहे होते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होता है कि रेड बॉय के ऊपर इन तीनों लोगों ने हमला किया है। और इसी के साथ हमारी पिंक गर्ल जीत चुकी है। तभी जो क्लास सी का टीचर होता है वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी बात में दम है तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे क्लास के तीनों बच्चों को एक एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करूंगा, और तो तुम्हारे क्लास ई के रेड बॉय को दो हफ्ते के लिए सस्पेंड करूंगा क्योंकि उसने बिल्कुल भी इंजरी नहीं पाई है। ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं। लेकिन हमारा जो हीरो होता है वो वापस से हमारी घमंडी लड़की को उंगली करता है। तभी घमंडी लड़की खड़ी होती है और कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग हमारे रेड बॉय को बिल्कुल ही पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उसके ऊपर ये झूठा केस बना हुआ है और इसके लिए मैं फाइट करूंगी। तो हमारी घमंडी लड़के के खिलाफ फाइट वाइट देख के हमारा जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे थोड़ा टाइम दो इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए। फिर इसके बाद सब लोग यहां से निकल लेते हैं और हमारी पिंक गर्ल कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने ये सब बहुत लेट बोला। लेकिन हमारा हीरो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने बहुत सही काम किया है। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट अपने रूम से बाहर आता है और वो हमारे हीरो से बात करता है, कहता है कि जो तुमने मुझसे कहा है अगर वो सब सच है तो मैं तुम्हारे केस को जीतने दूंगा, लेकिन अगर ये सब झूठ रहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल के वो हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है। और हमारा हीरो एकदम से चिल मार के खड़ा होता है, बोला तुमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे कि मैंने ये सब प्रूफ कैसे किया, वेल मैं नहीं बता सकता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी पिंक गर्ल होती है वो वॉशरूम में बैठी हुई होती है और अपना फोन यूज कर रही होती है। तभी उसके फोन पे उसको मैसेज आता है कि मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस तुम कहां पे हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ऐसे करके कोई बंदा उसको क्रीपी क्रीपी मैसेज कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक गर्ल अपने लॉकर को खोलती है तो उसके अंदर उसे दिखता है कि उसके बहुत सारे फोटोज किसी ने निकाल के रखे होते हैं। फिर वो ऐसे ही वहां पे उदास होकर बैठी होती है। मीनवाइल यहां पे हमारे हीरो सीढ़ी के पास बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं यहीं पे उन लोग की फाइट हुई थी। तो यहां पे उनकी फाइट कैसे हुई, यहां पे तो कैमरा होने चाहिए थे, और अगर कैमरा नहीं है तो उन लोगों ने ये सब चीज कैमरा में रिकॉर्ड कैसे नहीं की, ऐसे यहां पे लोग बात कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो जब क्लास में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि हमारी पिंक गर्ल एकदम से उदास होकर बैठी होती है। तो हमारा सैड बॉय उससे पूछता है क्या हुआ, वो बोलती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन उसी वक्त हमारे सैड बॉय को एक मेल आता है कि उसका काम हो चुका है। तो वो फटाक से जाता है उसी जगह पे जहां पे इन लड़के लोग की फाइट हुई थी स्पाइकी बॉय के साथ। यहां पे वो देखता है कि वो तीनों के तीनों लड़के आए होते हैं और ये कहता है कि तुम लोग यहां पे आ गए ना। तो ये लोग कहते हैं ओ तो तुमने हमें मेल भेजा था, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। तो हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन तुम्हें किसी और ने बुलाया है। उसी वक्त यहां पे ये घमंडी लड़की आती है और ये लोग हमारी घमंडी लड़की के ऊपर थोड़ा भड़कते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हमारे हीरोज कहते हैं इधर देखो तो यहां पे कैमरा है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, और हां लड़की पे हाथ उठाओगे तो तुम बचोगे नहीं। तो ये सब देख के इन सब गुंडों को लगता है कि अरे बाप रे लोग तो फंस चुके क्योंकि इन लोगों ने यहां पे पहले भी फाइट किया था हमारे स्पाइकी बॉय के साथ। तो लोग कहते हैं कि अगर कैमरा का फुटेज मालूम पड़ गया तो लोग हमें पकड़ लेंगे, और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके कंप्लेंट वापस लेना पड़ेगा ताकि टीचर लोग कैमरा का फुटेज चेक न करे। तो इसी बात पे ये लोग यहां से डर के मारे निकलते हैं और अपना कंप्लेंट वापस लेने के लिए आगे बढ़ते हैं।
हैं। मीनवाइल हमारी पिंक गर्ल अपने रास्ते जा रही होती है और उसका कोई तो पीछा कर रहा होता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो सैड बॉय जाता है और मिलने के लिए हमारी नोज वाली बंदी से। उसी वक्त उसको कॉल आता है हमारी पिंक गर्ल का और वो उससे मदद मांग रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि असल में यहाँ पे इस बंदे ने जो कि इसका कैमरामैन होता है उसने हमारी पिंक गर्ल के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी पिंक गर्ल को याद आता है कि उसको पहले हमारे सैड बॉय ने कहा था कि अगर तुम कभी प्रॉब्लम में अटको तो तुम प्लीज मुझे कॉल कर देना। और यहाँ पे वो हमारे सैड बॉय को कॉल कर रही होती है लेकिन ये कैमरामैन उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा होता है। वो उसके ऊपर चढ़ गया होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उसी वक्त हमारा सैड बॉय यहाँ पे आता है और वो अपने फोन से इसका फोटो लेता है और कहता है कि ओए कैमरामैन, अब मैंने तेरा फोटो ले लिया है और तू एक बच्ची के ऊपर हमला कर रहा है जो कि इलीगल है और ये सब चीज यहाँ के आसपास के कैमरा ने भी कैप्चर कर लिया, तो अब तो तू गया। उसी वक्त यहाँ पे आती है हमारी नोज वाली बंदी कुछ पुलिस वालों को लेके और वो इसको पकड़वा देती है। इसके बाद ये बंदा जाने के पहले कहता है कि अरे नहीं, ये पिंक गर्ल तो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे। तभी पिंक गर्ल कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बंदा मुझे छेड़ रहा था। तो ये सुन के वो बंदा थोड़ा गुस्सा होता है और हमारी पिंक गर्ल को थोड़ी सी गालियां देता है। लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि पिंक गर्ल तुमने तुम्हारा लोकेशन ऑन किया था इसलिए मैं यहाँ पे पहुंच गया, तुम कभी टेंशन मत लेना, तुम कभी प्रॉब्लम फंसी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसके बाद हमारी पिंक गर्ल हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है और उसे थैंक्स बोलती है। अब इतना तो कंफर्म हो चुका है पिंक गर्ल इसके प्यार में पागल हो चुकी है। मीनवाइल इन लोग की क्लास टीचर मस्त छत पे खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है और वहां पे आई होती है हमारी खड़ूस बंदी उससे बात करने के लिए। वो उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया कि उन तीनों गुंडे बच्चों ने उनका कंप्लेंट वापस ले लिया। तो ये कहती है बस जो भी हो गया सो हो गया, मैं हमारे क्लास ही को कभी हारने नहीं देने वाली हूं। फिर वो कहती है कि देखो घमंडी लड़की, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें कुछ भी हो जाए सैड बॉय के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो बंदा बहुत स्पेशल है। मीनवाइल यहां पे हमारा सैड बॉय स्पाइकी बॉय से बात कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है भाई तू तो बच गया। उसी वक्त हमारा सैड बॉय यहां पे चल के जा रहा होता है और उसके सामने प्रेसिडेंट आता है और प्रेसिडेंट उससे कहता है कि सुनो हमारे टीम में सेक्रेटरी का एरिया खाली है, तो क्या तुम मेरे सेक्रेटरी बनोगे और स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करोगे। तो हमारा हीरो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल बात है। मीनवाइल यहां पे हमारी उदास लड़की आती है और वो हमारे घमंडी लड़के को देख के निकल लेती है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि क्लास सी का जो गुंडा होता है वो इन तीनों गुंडे बच्चों को मारता है और कहता है कि तुम लोग ने मेरा काम भी पूरा नहीं किया, ऐसा बोल के वो इन लोग को तोड़ के निकल लेता है। मीनवाइल यहां पे ये छोटी लड़की आती है और इसके बगल में ये आदमी कौन है भाई, ये जो झुका हुआ होकर चल रहा है, ये बंदा स्कूल का स्टूडेंट है। ना भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसका टाई देखो, इसके टाई पे ब्राउन कलर के मिट्टी के मार्क लगे हुए, इसके जो बगल में लड़का है उसका टाई इससे अच्छा है, ये बंदे के ऊपर ब्राउन कलर कैसे लगा, इसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया इसके टाई के साथ। ये लोग यहाँ पे आके कहते हैं ओए क्लास सी के लोग तुम लोग कर क्या रहे हो। उसी वक्त क्लास सी का गुंडा बोलता है कि मैं क्लास बी को क्रश करने वाला हूं और फिर क्लास बी को और फिर क्लास ए को, मैं क्लास ए बनने वाला हूं। तो ये सब सुन के हमारी छोटी लड़की कहती है ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जो सैड बॉय होता है वो जा रहा होता है रास्ते से हमारी खड़ूस बंदी के साथ। तभी वो उससे कहती है कि तो तुमने मुझे अपना पपेट बना के यूज किया है ना। तो हमारा हीरो कहता है हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। उसी वक्त हमें इसका फ्लैशबैक दिखाता है कि ये एक बचपन में एक व्हाइट रूम में रहता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो लोग टेंशन में, लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे एकदम से नॉर्मल ही रहता है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे लाइफ में न घुसो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी घमंडी लड़की सो के उठती है, ब्रश करती है, नहाती है और नहा के जैसे ही बाहर आती है वैसे ही उसे हमारे सैड बॉय का फोन आ रहा होता है। तो वो उसका फोन बार बार काटती है लेकिन एंड में जब वो उसका फोन उठाती है तो हमारा हीरो कहता है ओए घमंडी क्या तू हमारे साथ पूल पे चलेगी, तो वो उसको ना बोल के फोन काट देती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन रात के टाइम पे बारिश में कुछ लड़के मिलके अपने एक सीक्रेट ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये पूल वाला सीन है, यहाँ पे लड़के लोग सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारी घमंडी लड़की रेडी होती है इन लोग के साथ पूल पे जाने के लिए। तो जैसी अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है यहाँ पे बहुत सारे उसके दोस्त होते हैं, तो उन सब लोग को जज करना स्टार्ट करती है। लेकिन वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है हमारी बड़बोली बंदी के साथ, हमारी पिंक गर्ल के साथ और हमारे सैड बॉय के साथ। यहाँ पे लोग वेट कर रहे होते हैं अपने बाकी दोस्तों का और तभी यहाँ पे आते हैं हमारे बाकी सब दोस्त। उसमें से एक होता है हमारा रेड स्पाइकी बॉय, एक होता है हमारा नॉर्मल सब बॉय और एक होता है ग्रे बाल वाला बंदा जो कि इस वक्त बूढ़ा हो रहा है। इस वक्त नॉर्मल बॉय और ग्रे बाल वाला बंदा दोनों ही अपने हाथों से बात कर रहे होते हैं सीक्रेट लैंग्वेज में। उसी वक्त यहाँ पे क्लास बी की गर्ल्स भी आती है जिसमें होती है मिस नोज, और मिस नोज को देख के तो इन लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन लोग को मिस नोज बहुत पसंद होती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी गर्ल्स चेंजिंग रूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है। आई नो आप लोग को ये सीन देखना है लेकिन मैं इसे नहीं दिखाऊंगा अच्छे से, बिकॉज अगर मैंने दिखा दिया तो भाई आज के बाद आप लोग चैनल पे कोई और वीडियो देख ही नहीं पाओगे क्योंकि यूट्यूब चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा। तो इसीलिए ये सब सीन थोड़ा मुझे सेंसर करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे सारी गर्ल्स नॉर्मली बातें कर रही होती है और जो हमारी बड़बोली बंदी होती है वो हमारी घमंडी बंदी से कहती है कि क्या तुम हमारे सैड बॉय से प्यार करती हो, तो वो इसकी बात को ठुकरा देती है। मीनवाइल यहाँ पे बॉयज अपने हेडक्वार्टर में बैठ के बातें कर रहे होते हैं अपने प्लान के लिए। फिर यहाँ पे सारी गर्ल्स पूल पे आती है रेडी होती है यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ बॉयज गायब होते हैं, तो गर्ल्स कहती है कि अरे तुम्हारा वो बंदा कहाँ पे गया, तो वो कहता है कि अरे उसका पेट खराब है वो सिर्फ पेट साफ करने गया। तभी हमें दिखाते हैं ये बंदा असल में क्लीनिंग वाला
बॉय बन के अंदर जाता है गर्ल्स के चेंजिंग रूम में और वहां पे वो कुछ साफ सफाई कर रहा होता है। मीनवाइल यहां पे अपनी गर्ल्स वॉलीबॉल खेल रही होती है। यहां पे इसने रास्ता बंद कर दिया होता है और ये ऊपर से सबके लिए कैमरा बाहर निकाल रहा होता है। और हमारे बाकी सब बॉयज यहां पे गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि उनका मिशन फेल हो रहा होता है क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम हो रहा होता है। ये लोग यहां पे स्ट्रेस में होते हैं। मीनवाइल यहां पे हमारी गर्ल्स आराम से वॉलीबॉल खेल रही होती है। तभी धीरे धीरे करके सारी गर्ल्स को शक पड़ता है कि यहां पे क्या हो रहा है, वो बंदा अब तक आया क्यों नहीं। तो इतने वो लोग एक और बंदे को भेजते हैं उसको चेक करने के लिए। मीनवाइल यहां पे गर्ल्स अपना वॉलीबॉल का गेम कंटिन्यू करती है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहां पे जो हमारा क्लास सी का गुंडा होता है वो अपने चंगू मंगू के साथ एंट्री लेता है इस चेंजिंग रूम वाले एरिया में और यहां के सारे बैरिकेड को तोड़ के अंदर घुसता है। उसी वक्त ये चश्मिश बंदा हमारे रेड स्पाइकी बॉय को झंडा दिखाई कहता है कि भाई जल्दी यहां पे तेरी हमें जरूरत है। मीनवाइल एनिमी टीम के लोग हमारी गर्ल्स को हरा रहे होते हैं। उसी वक्त ये बंदा यहां पे वापस से आता और कहता है कि अब मैं आ चुका हूं और मैं जीतने वाला हूं। ये देख के सारी गर्ल्स बोलती है कि अरे तेरे में इतना जोश कहां से आया। उसी वक्त यहां पे हमारा जो गुंडा बंदा होता है वो पहुंच जाता और कहता है कि यहां पे तो कुछ साफ सफाई हो नहीं रही है, तो वहां पे टेबल क्यों लगा हुआ था। वेल तभी रेड बॉय यहां पे आता है और इन लोग को रोकता है अंदर घुसने से। उसी वक्त यहां पे एंट्री लेते हैं क्लास ए की गर्ल्स और अब हमारा रेड बॉय इन लोग के बीच में फंस चुका है और इन लोग के बीच में फाइट होने वाली होती है। उसी वक्त यहां पे आता है हमारा प्रेसिडेंट और वो यहां पे आके इन लोग को रोकता है। मीनवाइल यहां पे हमारी जो घमंडी लड़की होती है वो हमारे सैड बॉय से पूछती है क्या हो रहा है। तो सैड बॉय बोलता है कि जो भी हो रहा है उसके लिए तुम्हें अभी मेरा एक नेक्स्ट काम में हेल्प करना पड़ेगा, ऐसा वो उसको कहता है। मीनवाइल यहां पे हमारे बॉयज चेंजिंग रूम में से कैमरा चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो बंदा अंदर बैठा होता है वो रोने लगता है, उसे लगता है कि वो अब हार चुका है और वो अब पकड़ा जाएगा। लेकिन चश्मिश बंदा उसको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। उसके बाद चश्मिश बोलता है कि हमारे सैड बॉय से हेल्प मांगता है। तो सैड बॉय भी हमारा हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो हेल्प करने के लिए हमारी घमंडी लड़की को बोलता है कि तुम जाओ इस स्विमिंग पूल के ऊपर वाले एरिया में और एक लंबा चौड़ा स्पीच दो। तो वो स्पीच देने के लिए ऊपर जाती है और इसी में सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पे हमारी घमंडी लड़की अच्छा खासा स्पीच देती है और सब लोग उसका स्पीच सुनने के लिए यहां पे आए होते हैं। सारे के सारे बंदे यहां पे आते हैं और उसका स्पीच सुन रहे होते हैं। ये स्पीच इतना काम का नहीं होता है। वेल स्पीच के बाद सब लोग वापस से निकलते हैं अपने अपने रास्ते पे और मीनवाइल हमारा दोस्त यहां से अपना कैमरा लेके निकल गया होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी घमंडी लड़की के पास सारे के सारे कैमरा के मेमोरी कार्ड होते हैं और ये सब के बारे में उसको हमारे सैड बॉय ने पहले ही रात को बता दिया होता है कॉल करके कि लड़के लोग का प्लान है कि वो लोग तुम्हारे चेंजिंग रूम में कैमरा रखेंगे और तुम्हें रिकॉर्ड करेंगे, तुम्हें उसमें से बस मेमोरी कार्ड निकाल लेना है। तो हमारे लड़कों ने जितनी मेहनत की वो सब बर्बाद हो गई। भाई इन लोग का नसीब कितना खराब है, सैड बॉय ने इन लोग को धोखा दे दिया है। वेल इसके बाद हमारा सैड बॉय हमारी घमंडी लड़की को धक्का मारता है पूल के अंदर, कहता है कि तुम भी जरा मजा कर लो। तो हमारी घमंडी लड़की हमारे सैड बॉय को भी पूल में खींचती है और ये लोग पूल में बैठे हुए रहते हैं। उसी वक्त बड़बोली बंदी यहां पे आती है और सब लोग मिलकर पूल में खेल रहे होते हैं, यहां तक कि हमारी पिंक गर्ल भी यहां पे आई होती है। वेल फिर इसके बाद रात में जब हमारी घमंडी लड़की अपने घर में नहाने के बाद रूम में बैठती है तो उसको एक मेल आया होता है हमारे सैड बॉय की तरफ से और ये होता है उनके ग्रुप का फोटो, जो फोटो देख के वो हल्की सी खुश होती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अपनी टीचर के साथ एक प्ले देख रहा होता है जिसके अंदर हीरो का नाम होता है इकरस और उसे उड़ना बहुत पसंद होता है, उसके पास पंख होते हैं। लेकिन ये सब देख के मुझे बहुत शॉक लग रहा है, ये बंदा हमेशा अपनी टीचर के पास चिपका क्यों रहता है। आई मीन एक रीजन जो मेरे दिमाग में आ रहा है उस रीजन से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये क्यों चिपका होता है। वेल ये रीजन क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पहले ही समझ चुके हो। वेल उसके बाद इसकी टीचर कहते हैं कि तुम्हारे फादर मुझे कब से प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें कैसे भी करके अपने आप को क्लास डी में से क्लास ए पे लेके जाना पड़ेगा तो ही तुम बच सकते हो। तो ये सुन के हमारा हीरो हमारी टीचर के ऊपर हमला करता है लेकिन टीचर उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, इससे मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो, है ना। हमारा हीरो ये बोलने के बाद टीचर को छोड़ के वहां से निकलता है और हमें ये दिखता है कि हमारे सारे के सारे बच्चे बैठे होते हैं एक क्रूज शिप के ऊपर। वेल इसके बाद सारे बच्चे शिप पे बैठ के मस्त मजे कर रहे होते हैं, खुश होते हैं कि उन लोग को एक पार्टी मिल रहा है और ये लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं। यहाँ पे इनके पास बेडरूम होते हैं, खतरनाक चीजें होती है और बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे लोग सामान खरीद रहे होते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेते हैं और बहुत कुछ लेते हैं। फिर ये लोग यहाँ के पूल में स्विमिंग करते हैं और सारे के सारे लड़के ये सब देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा ये नॉर्मल सा बंदा बड़बोली बंदी को प्रपोज करने के लिए जाता है लेकिन वो उसको प्रपोज करने की जगह पे उससे परमिशन मांगता है कि वो उसको उसके असली नाम से बुलाए। तो ये बंदी बोलती है कि ठीक है चलेगा, आई मीन ब्रो तू एक लड़की को प्रपोज भी नहीं कर सका, तूने उससे ये पूछा कि क्या तू उसको उसके असली नाम से बुला सकता है कि नहीं, कितना बड़ा ढकन और लूजर है तू भाई। उसी वक्त हमारा रेड ब्रो यहाँ पे आता है और वो कहता है कि अरे सुनो क्या तुम घमंडी बंदी के साथ क्लोज हो गया, अगर नहीं तो क्या मैं ट्राई मार सकता हूँ उसके ऊपर। तो हमारा सैड बॉय बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा गीगा चैट सिग्मा मेल आराम से अपने कुर्सी पे लेटा होता है और इसकी भाई बॉडी देखो, इस बंदे को 6 packs नहीं 8 pack एब्स है, इसकी बॉडी परफेक्ट है, ऐसी बॉडी बनानी है मुझे भाई। ये बंदा अभी भी खुद को आईने में देख रहा होता है और ये खुद से ही प्यार कर रहा होता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनना है खुद से प्यार करने वाला। उसके बाद हमारे सारे बंदे जाते हैं एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वहां पे लोग जैसे ही घुसते वहां पे वो लोग घुसने का समझते नहीं कि उनको क्या ऑर्डर करना है। तो ये सब देख के सब लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग क्लास डी के हो क्या, तुम लोग की जगह नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ क्लास ए और बी के लिए है, तुम सब लोग गधे हो और कचरे हो। तो ये सुन के हमारा रेड बॉय गुस्सा होता है एक बंदे
कंधे के ऊपर। तभी ये टकलू बोलता है कि ओए इसके ऊपर हमला मत कर, हम लोग बड़े क्लास वाले लोग हैं। मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा कि टकलू बंदा एक स्टूडेंट कैसे है। इसका थोबड़ा देखो, ये लिटरली 50 साल का बुढ़ा दिखता है। ये एक स्टूडेंट कैसे है? 15 साल का कैसे हो सकता है ये भाई, कैसे? वेल फिर उसी वक्त यहाँ के सारे स्टूडेंट हमारे रेड बॉय के बारे में बुरी भरी बातें बोलने लगते हैं। तो वो आराम से नीचे बैठता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स मसाज ले रही होती है और ये मसाज में उनको बहुत मजा आ रहा होता है। और वो लोग मसाज लेते हुए बात कर रही होती है आसपास की गर्ल्स के बारे में। इसमें होती है हमारी मिस नोज और वो दूसरी एक बंदी से क्लास सी और क्लास बी के बारे में बात कर रही होती है। वेल इसके बाद हमारा हीरो अपने रूम में लेट के सोच रहा था कि उसकी टीचर ने उससे क्या बात किया था। तभी यहाँ पे ये हमारा एक बंदा आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मुझे तुम्हारा थोड़ा काम है, मुझे मेरे दोस्तों तुम्हें मिलाना है। तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो लेकिन तुम मुझे क्यों लेके चल रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो मैं पसंद नहीं हूँ। उसी वक्त उसको उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वो वहां से निकल लेता है। मीनवाइल हमारा सिग्मा गीगा चैड अल्फा मेल बंदा स्विमिंग पूल से बाहर निकल के ऐसे ही दौड़ दौड़ के जा रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बटलर भाग के जाता है और कहता है कि सर आप प्लीज अपनी बॉडी को पोंछ लीजिए वरना ये पूरा पूरा फर्श खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा सिग्मा मेल उसको भाव ही नहीं देता है। वो बोलता है कि तुम मेरे परफेक्ट बॉडी को देखो और खुश हो जाओ। मीनवाइल फिर हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में और एक इंसान यहाँ पे मसाज ले रहा होता है। चलो देखे ये कौन है। ये होता है हमारा गीगा चैट सिग्मा मेल और ये बंदा भाई, ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, ये सही में सिग्मा मेल है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी घमंडी लड़की हमारे सैड बॉय के साथ जूस पीने के लिए बैठी होती है और ये लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ये सब पूरा इवेंट हो रहा है स्कूल की तरफ से क्या है। तो इनको लगता है कि शायद से ये कोई टेस्ट हो रहा है। उसी वक्त यहाँ पे एक गुंडा बंदा आता है और वो हमारी घमंडी लड़की के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो सुजू ने, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? तो उसी वक्त हमारी घमंडी लड़की उसको ना बोलती है लेकिन ये गुंडा उसका फोटो लेता और कहता है कि मैं बस तुम्हारे इस फोटो को देखता रहूंगा। तभी यहाँ पे ये बॉयकट वाली बंदी आती है और बोलती है तुम कर क्या रहे हो। तो ये बंदा इस लड़की को भी अपने पास खींचता है और बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो क्यों ना, आई मीन ब्रो तू इतना बड़ा थरकी कैसे है। तो ये बॉयकट वाली बंदी इस गुंडे को एक मुक्का मारने वाली होती है लेकिन उसी वक्त इसका बिग बॉय यहाँ पे आता है और इसको रोक देता है। ब्रो तूने चश्मा क्यों पहन रखा है, तूने सनग्लासेस पहन के रखे हैं? वेल इसके बाद ये बिग बॉय हमारी इस बॉयकट वाली बंदी को धक्का मार के नीचे फेंकता है और वहां से निकल लेता है। तो हमारा सैड बॉय उसको हेल्प करता है लेकिन ये बंदी खुद को शानी समझ के वहां से निकल लेती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक छोटी बच्ची चेस खेल रही होती है अकेले ही और फोन पे किसी से बात करके उसको अपना रिपोर्ट दे रही होती है। भाई स्कूल के अंदर बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही है। मीनवाइल यहां पे हमारी पिंक गर्ल अकेले बैठी होती है और वो हमारे हीरो को प्रपोज करने के बारे में सोच रही होती है लेकिन तभी हमारा हीरो उसके पास आता है और कहता है कि अरे तुम यहां पे अकेली क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं बस मैं यहां पे बैठ के नजारा देख रही थी, क्या तुम मेरे साथ खड़े होकर रह सकते हो? ऐसा बोल के वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है। मीनवाइल यहां पे ये बड़बोली बंदी आती है और कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम रुक सकती हूं? तो ये लोग यहां पे रुकते हैं और यहां पे थोड़ी बातें करते हैं। तभी वो उससे पूछती है कि क्या अगर मैं तुम्हें कभी प्रपोज किया तो तुम मेरी बात मानोगे? क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरा सच पता है कि मैं असल में ऐसी नहीं हूं। तो हमारा हीरो कहता है कि ये सब बात बाद में देखी जाएगी, मुझे कुछ नहीं बोलना। ऐसा बोल के वो वहां से निकलने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सुबह सुबह उठता है, रेडी होता है उनके दोस्तों के साथ और उसे देखने मिलता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा नजारा होता है क्योंकि ये लोग एक नए आइलैंड के पास जा रहे होते हैं। और उसी वक्त इनके टीचर्स इन सबको गैदर करते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे तुम लोग को इस आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे तुम लोग को सर्वाइव करना है 7 दिन तक। तुम्हारे हाथ में ये रिस्ट बैंड बांधा हुआ रहेगा जिससे हमें तुम्हारा लोकेशन मिलता रहेगा। तुम्हें इस क्लास टेस्ट में पास होना है कैसे भी करके, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। तुम्हें इसमें कैसे तुम्हारा समय निकालोगे वो सब तुम्हें पता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज इस आइलैंड पे लैंड कर लिए होते हैं और वो लोग अपने अपने रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जंगल के अंदर हमारा टकलू बॉय बात कर रहा होता है क्लास सी के गुंडे बंदे के साथ और गुंडा बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुमको स्टूडेंट काउंसिल में घुसना था लेकिन तुम्हें वहां पे एंट्री नहीं मिली, इसीलिए तुम एकदम वल्नरेबल हो गए हो, तो तुम मेरे साथ टीम अप करो ताकि हम लोग यहां पे जीत सके। तो ये सुनकर टकलू को बहुत गुस्सा आता है। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहां पे बैठ के वापस से सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हैं। तभी उनको ये मालूम पड़ता है कि उनकी टीम को टोटल 300 एस पॉइंट दिया हुआ है और वो लोग को जो भी चीजें चाहिए वो लोग उनको खरीद सकते हैं एस पॉइंट्स यूज करके। लेकिन इस क्लास के जो टेस्ट है उसके एंड में जिस भी टीम के पास सबसे ज्यादा एस पॉइंट रहेंगे वही टीम ये चीज जीतेगी और उनको प्रॉपर पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये लोग अपने एस पॉइंट्स को यूज करने से पहले सोचेंगे 100 बार और यहाँ पे इन लोग को खाना चाहिए, पानी चाहिए, हर एक चीज के लिए इनको पॉइंट्स यूज करना पड़ेगा। और अगर इन लोगों ने प्रॉपरली ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो इनको हर महीने 30,000 रुपए मिलते रहेंगे। फिर ये सब देख के सब लोग सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी उन लोग बोलते हैं कि इनको ये भी पता है कि अगर इन लोगों ने इनके हाथ से ये रिस्ट बैंड को निकाला तो इन लोग को पेनल्टी भरना पड़ेगा। फिर ये लोग बोलते हैं कि इनको पॉटी करने के लिए कुछ न कुछ चीज का तो उपयोग करना पड़ेगा तो इन लोग को एक टॉयलेट खरीदना चाहिए। लेकिन बॉयज बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग एक मेकशिफ्ट टॉयलेट बनाएंगे जो कि एक कार्डबोर्ड का रहेगा, उसके ऊपर हम लोग एक थैली डाल देंगे और थैली पे तुम लोग पॉटी कर सकते हो। फिर हम लोग वो थैली को फेंक देंगे और उसी को यूज करेंगे, हमें पॉइंट्स वेस्ट नहीं करना है। आई मीन भाई कम से कम पॉटी करने के लिए तो यूज कर ले यार, वो एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। और तुम लोग गर्ल्स के साथ हो, अकेले अगर सब बॉयज होते तो चलता था भाई, हम लोग जंगल में जाकर कहीं भी हग लेते थे, लेकिन तुम्हारे साथ गर्ल्स है कुछ तो अच्छा दिमाग लगाओ। तो इसी बीच में इन लोग के बीच में झगड़ा होता है और गर्ल्स और बॉयज थोड़ा सा अनबन करते हैं। तभी हमारा चश्मिश ब्रो वहां पे आके इन लोग को रोकता है, बोलता है कि नहीं इस वक्त हम लोग को इसके ऊपर टॉपिक नहीं लेना चाहिए, हम लोग इमोशनल नहीं होंगे। वेल इसके बाद सारे के सारे क्लास ए के लोग जंगल में चल के जा रहे होते हैं
इम्पोर्टेंट चीजें कलेक्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे हमारा हीरो देखता है कि जो हमारी घमंडी लड़की होती है उसकी तबीयत सही नहीं लग रही होती है उसे। फिर ये लोग जंगल में और आगे बढ़ते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोग को एक बेस ढूंढना है जहाँ पे ये लोग अपना कैंप लगाएंगे। ऐसे बोल के ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन यहाँ पे जाएगा सर्च करने के लिए। तो इसमें से एक बंदा जो अपना हाथ ऊपर करता है वो होता है हमारा सिग्मा गीगा चैट बॉय। ये बंदा बहुत ही अजीब है यार, ये कर क्या रहा है असल में। इसके बाद हमारा सैड बॉय और तो और घमंडी लड़की भी अपने अपने हाथ को ऊपर करते और जाते हैं आगे ढूंढने के लिए। फिर हमें दिखाते कि जो हमारा सिग्मा बॉय होता है वो तो भाई बंदर की तरह पेड़ पे कूद कूद के आगे बढ़ रहा होता है। ये बंदे के पास क्या ताकत है, ये तो लिटरली यहाँ पे टार्जन से भी तेज घूम रहा है। यहाँ तक कि हमारा सैड बॉय भी इसके साथ कवर अप नहीं कर पाता है। और सैड बॉय के साथ चल रही होती है उसकी फेवरेट पिंक गर्ल, वो कीप अप कर ही नहीं पाती है। और हमारा ये मंकी ब्रो तो भाई लिटरली बंदर की तरह छलांग मार मार के निकल लेता है। ये इतना तेज भागता है कि इन लोग की नजर से भी दूर निकल लेता है। इसके बाद हमारा जो सैड बॉय होता है वो हमारी पिंक गर्ल के साथ चल के थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको दिखता है कि एक केव होता है आगे। तो वो बोलता है कि हम लोग इस केव के अंदर घुसते हैं। तभी उनको उनके टीचर की बात याद आती है कि इनके हर क्लास में एक एक बंदे को की कार्ड दिया हुआ है जो कि सिर्फ उनके क्लास के लीडर के पास होगा। और ये लीडर ही वो इंसान है जो की कार्ड को यूज करके कहीं भी अपना बेस बना सकता है। और हर जगह पे एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है जिसके ऊपर वो लोग अपने कार्ड को टच करेंगे तो वो उनको 8 घंटे का टाइम देगा बेस बनाने का। और ऐसे उनको 50-50 पॉइंट्स मिलते रहेंगे हर 8 घंटे में। लेकिन तुम्हारा लीडर कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारे एनिमी टीम के बंदे को पता चल गया कि तुम्हारी टीम का लीडर कौन है तो वो तुम्हारी टीम को सैबोटेज कर सकता है। क्योंकि एकदम एंड में एक मिशन होगा जहां पे हर टीम के मेंबर को डिसाइड करना है कि एनिमी टीम का कौन कौन कैप्टन है। और जिसने भी राइट गेस कर लिया उस टीम को 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और जिसने रॉन्ग गेस किया उस टीम के 3 पॉइंट्स कट जाएंगे। इसीलिए यहां पे लोग अपने लीडर को रिवील नहीं करना चाहते हैं। उसी वक्त हमारा सैड बॉय देखता है कि इस केव में से टकलू बॉय बाहर निकलता है एक और बंदे के साथ। और टकलू बॉय के हाथ में होता है की कार्ड और वो कहता है कि मैं तुम्हारा कैप्टन हूं इसीलिए ये की कार्ड मेरे पास रहना चाहिए और हम लोगों ने इस केव को अक्वायर कर लिया है। अब तुम देखो कि किसी ने भी हमें नहीं देखा हो। उसी वक्त टकलू बॉय को लगता है कोई तो यहाँ पे है। तो टकलू बॉय आगे आता है चेक करने के, लेकिन हमारा हीरो वहां से गायब हो चुका होता है। और हमारी पिंक गर्ल इस वक्त शर्मा रही होती है क्योंकि हमारे हीरो ने उसको इतना क्लोज पकड़ के रखा होता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। मीनवाइल हमारा हीरो अंदर आता है यहाँ पे देखने के लिए और उसको दिखता है कि की कार्ड को इस मशीन पे लगा दिया गया है और ये एरिया अभी क्लास ए का हो चुका है 8 घंटे के लिए। फिर हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक के टाइम पे कि यहाँ पे हमारे हीरो डिसाइड करते हैं कि इनका नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा। मीनवाइल ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं एक पानी वाले एरिया के पास और वहां पे ये लोग अपना मशीन के पास की कार्ड लगाने वाले होते हैं। उसी वक्त ये लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग पानी के पास है तो हमें पानी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम लोग एक्चुअली अच्छा पानी पी सकते हैं। फिर सब लोग मिलते हैं ग्रुप बनाकर और सोचते हैं कि उनका लीडर कौन बनना चाहिए। और इसमें ये डिसाइड होता है कि इनकी जो लीडर बनेगी वो होगी हमारी घमंडी लड़की क्योंकि ये सबसे केपेबल है इन सब चीजों में। इसके बाद हमारी घमंडी लड़की यहाँ पे की कार्ड लगाती है और ये लोग 8 घंटे के लिए इस एरिया को अपना बना लेते हैं। फिर पानी पीने के लिए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर से पानी पी सकते हैं और हमारा नॉर्मल बॉय डायरेक्टली पानी पी के दिखाता भी है लेकिन बाकी लोग को ये चीज इतनी पसंद नहीं आती। फिर ये लोग अपना कैंप सेटअप करते हैं और रेडी होते हैं यहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए। तो हमारा हीरो निकलता है कुछ लकड़ियां लेने के लिए और वो कहता है कि ओए लीडर चल मेरे साथ, ज्यादा नौटंकी मत कर। लेकिन हमारी लीडर अपने टेंट में घुस जाती है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि जो हमारी पिंक गर्ल होती है वो जाती है हमारे हीरो के साथ लकड़ी लेने के लिए क्योंकि पिंक गर्ल को तो हमारा हीरो बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये अजीब सा मैंगो के जैसे दिखने वाला बंदा इन लोग के साथ आता है और वो हमारे हीरो के गले में हाथ डाल के कहता है कि ओए देख जो ये बड़बोली बंदी है वो तो मेरे लीग के बहुत बाहर है, तुम वो तो मुझसे सेट नहीं होने वाली। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पिंक गर्ल को सेट कर लूँ, ये बहुत ही डरपोक टाइप है तो ये मुझसे सेट हो जाएगी, तो तुझे इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना सैड बॉय। तो सैड बॉय बोला तुझे जो करना है कर, बस मेरे ऊपर से हाथ उठा भाई, तू लिटरली एक आम की तरह दिख रहा है मैंगो बॉय। उसी वक्त ये लोग को दिखता है कि यहाँ पे क्लास सी की ब्लू बॉय कट वाली बंदी मार खा के बैठी होती है। तो हमारा हीरो बोलता है कि हम लोग इसका हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इस बंदी ने एक बार हीरो के साथ बेइज्जती की थी। लेकिन मैंगो बॉय चाहता है इसका हेल्प करने के लिए और ये बंदी पहले उनसे हेल्प नहीं लेती और यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। लेकिन ये लोग उसको अपने कैंप के पास लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे ये लोग आग लगाते हैं और अपना कैंप स्टार्ट करते हैं। फिर ये लोग सब लोग मैंगोस खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं और खुद को रेडी करते हैं। फिर इसी के बाद हमारा ये नॉर्मल बॉय बोलता है कि ओए लड़की मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझे कहा कि हम लोग बाथरूम नहीं यूज करने वाले, हम लोग को एक बाथरूम ले लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सारे के सारे गर्ल्स और बॉयज के बीच में वापस से दोस्ती होती है। सब लोग यहाँ पे अपना वोटिंग करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि 300 जो एस पॉइंट है वो ये लोग धीरे धीरे यूज करेंगे और इसमें से ये लोग कम से कम 120 एस पॉइंट बचा के रखेंगे। तो ये लोग 180 एस पॉइंट यूज करने वाले हैं पूरे 7 दिन के लिए, जिसमें ये लोग खाना खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें लेंगे। और ऐसे हमें दिखाते हैं कि इन लोग का कैलकुलेशन ये होता है कि ये लोग खाना खरीदेंगे 10 एस पॉइंट का 12 बार, तो वहां पे 120 एस पॉइंट गया। फिर ये लोग टॉयलेट लेंगे जो कि और 20 एस पॉइंट लेगा, बॉयज का टेंट लेंगे जो कि 10 और एस पॉइंट लेगा। इसी तरह से इन लोग के 150 एस पॉइंट चले गए और ये लोग 30 एस पॉइंट रखेंगे कोई ऐसी चीज के जो कि इनके लिए कभी भी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट चीज पड़ गई। ऐसे इन लोग का 180 एस पॉइंट यूज होगा और ये लोग 120 एस पॉइंट बचा के रखेंगे। और जैसे ये लोग यहाँ पे पानी पियेंगे तो इनके 50 एस पॉइंट ऐसे ही बच जाएंगे। सब लोग ये सब डिसाइड करते हैं। फिर रात के टाइम पे हमारा हीरो जाता है ये ब्लू बॉयकट वाली बंदी के पास और इसको थोड़ा खाना देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे बड़बोली बंदी भी आती है और वो भी इसको खाना देती है। और सब लोग इसके साथ दोस्ती करते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी सब लोग होते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत टेंशन होता है इसके ऊपर। फिर हमें ये दिखाते हैं कि रात
के टाइम पे हमारा सिग्मा मेल गीगा चैट बंदा इन लोग को धोखा देके वापस से शिप पे भाग गया होता है, जिसकी वजह से इनकी टीम को 30S पॉइंट का पेनल्टी लग जाता है। क्योंकि अगर कोई भी एक टीम मेंबर तुम्हारी टीम को छोड़ के गया तो तुम्हारी टीम को पेनल्टी लगेगा। भाई तूने क्या किया यार, तूने टीम को धोखा क्यों दे दिया। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा सैड बॉय वापस से अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, कैसे वो एक व्हाइट रूम के अंदर बंद था और वहां पे उसके सामने कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम एक फूल हो। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि वो नदी के पास बैठा होता है और नदी में देख रहा होता है और खुद की सारी लाइफ डिसीजन को क्वेश्चन कर रहा होता है कि मैं इतना गधा क्यों हूं, मैं लोगों से बात क्यों नहीं करता और मैं इतना शांत क्यों बैठा रहता हूं। वेल तभी यहां पे इनका मेकशिफ्ट लीडर आता है और कहता है कि सब लोग यहां पे पानी भरना स्टार्ट करो। और इसके बाद हमारा जो सैड बॉय होता है वो खड़ूस लड़की के साथ जाता है जंगल में कुछ काम करने के लिए, कोई ऐसा वैसा काम नहीं, बट ये लोग सोचते हैं कि ये लोग जाएंगे और ये लोग जाके देखेंगे कि आसपास के क्लैन के लोग कर क्या रहे हैं। तो ये लोग जाते हैं बी क्लैन के पास और वहां देखते हैं कि वो लोग मजे कर रहे होते हैं और यहाँ पे सब लोग डिसिप्लिन के साथ बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। उनका प्रॉपर कैंप बन चुका होता है और यहाँ पे मिस नो सब लोग को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ में हाथ बटा सकते हैं। मीनवाइल जिसके लोग जाते हैं क्लास ए के पास, तो उन लोगों ने जो केव देखा होता है उसी के अंदर एक पर्दा बांध कर रखा होता है और किसी को भी अंदर देखने की एंट्री नहीं होती है। तो हमारे हीरो और हीरोइन चल के जाते हैं यहाँ के गार्ड के पास और उससे कहते हैं क्या तुम हमें अंदर जाके देखने दोगे। तो वो कहता है नहीं, आई मीन बहन तुझे क्या लगा अगर ये अंदर जाके देखने के तुमको अनुमति देने वाला था तो इन लोगों ने पर्दा क्यों लगा रखा होता, बिग ब्रेन वुमन। वेल जैसे ये अंदर घुसने की कोशिश करती है वैसे यहाँ से मिस्टर टकलू बॉय बाहर आता है और कहता है कि अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम आ सकती हो, लेकिन इसका बहुत खतरनाक अंजाम होगा। क्या होगा वो मैं तुम्हें बोलता हूँ, जैसे तुम हमारे कैंप के अंदर घुसोगे वैसे हमारे सारे के सारे लोग तुम्हारे कैंप पे हमला करना स्टार्ट करेंगे। और उसी वक्त यहाँ पे कुछ गधे जैसे बच्चे आते हैं अपने हाथ में लकड़ी लेके इनको मारने के लिए। आई मीन ब्रो तुमको क्या लगता है कि तुम लकड़ी लेके इन लोग को मारोगे और ये लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। इन लोगों ने दो यहाँ पे बाथरूम बना के रखे पॉटी करने के लिए, जो अच्छी बात है, एक लड़कों का एक लड़की का, आई थिंक सो। वेल इन सबको देख के हमारे हीरो हीरोइन कहते हैं कि चलो जाएं तो इनको छोड़ो। फिर ये लोग जाते हैं क्लास सी के पास और लोग देखते हैं भाई क्लास सी तो यहाँ पे पिकनिक मना रहा होता है, इन लोगों ने जेट्स की खरीद के रखा होता है, ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, सन बात कर रहे होते हैं, हर एक चीज कर रहे होते हैं। और उसी वक्त जो क्लास सी का मिस्टर गुंडा होता है वो कहता है कि देखो हम लोग यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं। ऐसा कह के ये एक आदमी के ऊपर बियर डाल देता है और बोलता है कि ये बियर ठंडी हो चुकी है, मुझे प्रॉपर बर्फ वाली बियर चाहिए, इसका पूरा टेम्परेचर खराब हो चुका है। आई मीन ब्रो तू 15 साल का है, आई नो तू दिखता नहीं है 15 साल का, लेकिन स्टोरी के हिसाब से तू 15 साल का, तो तुझे बियर नहीं पीना चाहिए। वेल इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ मजे करेंगे, टाइम पास करेंगे और निकल जाएंगे। ऐसा कह के ये मस्त कबाब खा रहा होता है और इन लोग की बात पे ध्यान दे ही नहीं रहा होता है। इसने एक दिन के अंदर अपने 300 S पॉइंट पूरे खर्च लिए होते हैं। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ से निकलते हैं और ये लोग बात करते हैं कैसे ये बंदे ने एक लड़की को मार के अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है और उसके बाद ये सिर्फ चिल मार रहा है। तभी हमारा हीरो सैड बॉय कहता है कि देखो हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इन लोग का प्लान ये होगा कि ये लोग यहाँ पे एक दो दिन निकालेंगे, मजे करेंगे और उसके बाद सबके सब वापस से जाके बोट में बैठ जाएंगे और गिव अप कर देंगे। और असल में ऐसा ही होता है क्योंकि डे 3 पे हमें दिखाते हैं कि सब लोग आराम से अपने टेंट में सो रहे होते हैं, तभी जो ब्लू गर्ल होती है उसके बगल में से एक बैग चोरी होता है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि सारे के सारे बॉयज सुबह उठते हैं, तभी उनको मुंह हाथ धोने के बाद ये मालूम पड़ता है कि डे 4 आ चुका है। आई मीन डे 3 में तो इन लोगों ने सिर्फ सोए, उठे, मुंह हाथ धोए और डे 4 आ गया। फिर डे 4 पे हमारा हीरो पॉपा से पिंक गर्ल के साथ टीम अप करके चीजें सर्च करने के लिए निकल रहा होता है। यहाँ पे पिंक गर्ल बहुत हाफ रही होती है, लेकिन कहती कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ आए हो। उसके बाद वो अपने हाथ से एक कैमरा बना के इनका फोटो लेती है। मीनवाइल जैसे ये लोग डे 4 का एंड खत्म करने वाले होते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि टीम सी यहाँ से भाग चुकी होती है। तो टीम बी की हमारी मिस नोज और तो टीम डी का हमारा सैड बॉय और पिंक गर्ल यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वेल उसके बाद ये लोग टीम ए के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे सब लोग मस्त बैठे होते हैं, नॉर्मल सी बातें कर रहे होते हैं। तभी इन लोग को डाउट गिरता है ब्लू गर्ल के ऊपर। वो कहता है कि ब्लू गर्ल तुम्हारी टीम के सब लोग भाग चुके हैं तो भी तुम यहाँ पे क्यों रुकी हुई हो, क्या तुम हम लोग के ऊपर जासूसी कर रही हो। तो ब्लू गर्ल बोलते हैं कि ओए रेड स्पाइकी बॉय मैं उन लोग के साथ नहीं हूँ, मैं इस वक्त तुम्हारी टीम में भी नहीं, मैं सिर्फ दूर बैठी हुई हूँ, तुम मुझे प्लीज आराम से रहने दो। और इसी बीच में इन लोग के बीच में गर्मा गर्मी होती है तो हमारी बड़बोली बंदी इसको दूर लेकर आती है। फिर स्टार्ट होता है डे नंबर 5, जिस दिन सब लोग उठते हैं और सारी की सारी गर्ल्स इनके टेंट के बाहर खड़ी होती है और इन लोग के ऊपर इल्जाम लगाती है कि किसी बंदे ने हमारी इस लड़की के अंडरवेयर चोरी कर ली है। आई मीन भाई तुम्हें कच्चा चोरी करके क्या मिलता है, ना तुम लड़की का कच्चा पहन सकते हो, आई मीन अगर तुम्हारी पहनने की इच्छा है तो तुम देख लो, बट यार क्या फायदा, लोग कच्चा क्यों चोरी करते हैं जापान में, मुझे ये कंसेप्ट कभी नहीं समझता कि जापान के बहुत सारे एनिमे के अंदर हमें दिखाते हैं कि लोग कच्चे चोरी कर लेते हैं। फिर सारी गर्ल्स कहती है कि तुम में से किसी एक लड़के ने हमारी मिस ब्यूटीफुल गर्ल का कच्चा चोरी किया तो हम लोग तुम्हें चेक करेंगे। तो फिर जो हमारा मेन लीडर होता है वो बोलता है कि वो जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसका बॉयफ्रेंड होने के खातिर सब लोग को चेक करूंगा। तो ये बंदा सबके बैग्स चेक करता है और इन लोग को एंड में मालूम पड़ता है कि कच्चा किसी के पास नहीं है, लेकिन कच्चा असल में इस नॉर्मल बॉय के पास होता है। और जो ये आम वाला बंदा होता है वो कहता है कि भाई अब तो तू गया। तो नॉर्मल बॉय कहता है कि देखो मेरे पास ये कच्चा कैसा है मुझे खुद को नहीं पता है। और असल में सही में नॉर्मल बॉय को नहीं पता होता है। तो नॉर्मल बॉय भाई दिमाग लगाता है और हमारे सैड बॉय को कच्चा दे देता है। तो सैड बॉय वो कच्चा अपने जेब में रख के आगे निकल लेता है। फिर यहाँ पे ये लोग बैग चेक करते हैं और एंड में ये डिसाइड होता है कि बॉयज के पास कच्चा नहीं है। लेकिन उसी वक्त ही बंदी कहती है कि नहीं 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 तुम सबके जेब भी चेक करो। तो हमारा लड़कों का लीडर सबका जेब
वेब चेक करता है और वो जैसे ही हमारे सैड बॉय को जेब को टच करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि इसके पास कच्चा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं इसके पास कच्चा नहीं है। फिर इसके बाद सैड बॉय और तो और हमारा मिस्टर बॉयफ्रेंड दोनों ही बात करते हैं कि कच्चा उसके पास था तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो मिस्टर बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जानता हूं कि कच्चा तुमने चोरी नहीं किया, तुम्हारे पास ये कैसे आया वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरा हेल्प करोगे असली कल्प्रिट को पकड़ने में। तो हमारा सैड बॉय कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन तुम मुझे बस इतना बड़ा पता देना सबसे पहले कि वो बंदा कौन है जिसने कच्चा चोरी किया है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड का था इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चीज पहले मुझे मालूम पड़े, जो कि एक तरह से रीजनेबल है यार। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गर्ल्स के ग्रुप में और बॉयज के ग्रुप में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तुम लोग तुम्हारे टेंट को हमारे टेंट से दूर करो और हम लोग को पानी वाले एरिया के पास रहने दो। और इसी बीच में ये लोग डिसाइड करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज दोनों का टेंट थोड़ा दूर होने वाला है। तो यहाँ पे बॉयज अपना टेंट दूर खड़ा करते हैं गर्ल्स के साइड से और कहते हैं कि अभी बॉयज लोग गर्ल्स के पास नहीं आएंगे। फिर इसके बाद सारे के सारे बॉयज यहाँ पे टेंट बनाते हैं। तभी हमारी क्लास सी की ब्लू गर्ल यहाँ पे आती है हमारे हीरो से बात करने के लिए। वो कहती है कि तुम लोग को ये लगता ना कि मैं चोर हूँ, मैंने ये चीज चोरी किया है क्योंकि मैं बाहर की बंदी हूँ। तो हमारा हीरो कहता है हाँ सबको ऐसा ही लगता है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि तुम बाहर की बंदी हो, बट मेरे को लगता है कि तुमने ऐसा नहीं किया है। तो ये सुन के ब्लू गर्ल को बहुत खुशी होती है और वो हमारे हीरो को थैंक्स बोलती है। लेकिन फिर इसके बाद हमारा हीरो जाता है उसी जगह पे जहाँ पे इन लोग को ब्लू गर्ल मिली होती है और यहाँ पे वो खोदता है उस जगह को और उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो बंदा आराम से आग जला के बैठा होता है और यहाँ पे आती है हमारी घमंडी लड़की इससे बात करने के लिए और वो कहती है कि तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो अकेले। फिर तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम इतना फेक क्यों बन रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है जब से ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से, लेकिन तुम यहाँ पे सबके सामने ऐसा एक्ट कर रही हो कि तुम एकदम से ठीक हो, तुम कब से अपने आप को बीमार होकर इस हालत में रखी हुई हो और सारे सारे टास्क कर रही हो। ऐसा कह के वो हमारी घमंडी लड़की को पकड़ता है, उसके क्लोज जाता है और उसके सर पे अपना हाथ रख के चेक करता है उसका टेम्परेचर और वो कहता है कि तुम्हारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38 डिग्री पे है। भाई तू क्या इंसान है कि थर्मामीटर तुझे ही कैसे मालूम पड़ेगा यार। फिर ऐसे ही डे नंबर 6 स्टार्ट होता है और यहाँ पे पानी बहुत भर चुका होता है और सबको लगता है कि अब बारिश होने वाली है। इन लोग को सिर्फ 2 दिन और निकालना होता है और इन लोग का टेस्ट कंप्लीट हो सकता है, बट बारिश की वजह से चीजें थोड़ी गंभीर हो सकती है। वेल फिर इसके बाद सब लोग जाते हैं फ्रूट कलेक्ट करने के लिए और तभी ये लोग कहते हैं कि हम लोग थोड़ा मछली पकड़ने का ट्राई करते हैं क्योंकि पानी भर चुका है। तो हमारा सैड बॉय और तो और लड़कों का लीडर पानी के पास आते हैं और पानी कलेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं, मछली कलेक्ट करने के लिए। तभी हमारा हीरो हमारी लड़की कहते हैं कि तुम की कार्ड को कैसे रख रहे हो, क्या तुम मुझे की कार्ड दिखा सकती हो। वो कहता है कि उसने फर्स्ट डे पे देखा था कि टकलू बॉय के हाथ में भी ऐसे ही कोई एक चीज थी, लेकिन उसको कंफर्म पता नहीं कि की कार्ड कैसा दिखता है, तो तुम मुझे एक बार दिखाओ ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि ए क्लास के बंदा के पास की कार्ड था कि नहीं। तो हमारी घमंडी लड़की अपने जेब से की कार्ड हल्का सा निकालती है और हमारे हीरो को दिखाती है। उसके बाद यहाँ पे ये 3-4 लोग आते हैं जिसमें से एक होता है हमारा मैंगो बॉय और ब्लू गर्ल और तो और बड़बोली बंदी। और इसी में जो हमारा मैंगो बॉय होता है वो हमारी घमंडी लड़की के सर के ऊपर मिट्टी मारता है और कहता है कि बहन तू और ये सैड बॉय बहुत क्लोज आ चुके हो, क्या तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मैं ये चेक करने के तेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ, अगर तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पे हमला किया मतलब तुम लोग डेट कर रहे हो। ऐसा कह के वो हमारी सैड गर्ल पे मिट्टी डाल देता है। तो हमारी घमंडी लड़की उसको उठा के धोबी पछाड़ मारती है पानी के अंदर। वेल फिर इसके बाद वो जाती है नहाने के लिए और क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी लग चुकी होती इसीलिए उसने अपने सब कपड़े निकाल के रखे होते हैं और वो फाउंटेन में नहा रही होती है। और वो जिस वक्त नहा रही होती है उसी वक्त यहाँ पे हमारे बॉयज मछली पकड़ के आ गए होते हैं, लेकिन इस वक्त गर्ल सब दूर खड़ी होती है और ब्लू गर्ल भी उनके पास में ही होती है। मुझे लग रहा है ब्लू गर्ल डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम कर रही है। इसके बाद आती है हमारी घमंडी लड़की और वो हमारे सैड बॉय कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये लोग कोने में जाते हैं और तभी वो उसको बोलती है कि मेरा की कार्ड चोरी हो चुका है। बहन तूने तेरा की कार्ड कैसे खो दिया, आई नो तू नहाने गई थी और उसी वक्त किसी ने आके वो की कार्ड चोरी किया है और मुझे 100% डाउट है कि ये किसी और ने नहीं उसी बंदे ने किया है जो कि ब्लू गर्ल है। वेल फिर ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना, क्या तुम्हें किसी के ऊपर डाउट है। तो हमारी घमंडी लड़की कहती है कि हाँ उसको ब्लू गर्ल के ऊपर डाउट है। तो ये लोग कहते हैं ऑफ कोर्स तो ये ब्लू गर्ल ही होगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इनके कैंप में आग लग गई होती है और सारे के सारे बॉयज आग बुझा रहे होते हैं। तभी हमारी ब्लू गर्ल यहाँ पे एकदम शॉक में खड़ी होती है। तो ये देख के हमारी जो घमंडी लड़की होती है उसको थोड़ा धक्का लगता है, वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया, और जिसने आग लगाई होती उसने असल में यहाँ पे इनका सर्वाइवल मैनुअल के ऊपर ही आग लगा दिया होता है। तभी सारी की सारी गर्ल्स कहती है कि हमारे बीच में कोई ना कोई ट्रेटर है जिसने ऐसा किया है और उसी ने कुछ काम किया है हमारी इस ब्यूटीफुल गर्ल गर्लफ्रेंड का अंडरवेयर चोरी करने में। तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है और सब लोग के बीच में झगड़ा होना स्टार्ट होता है और फिर इसमें से एक बंदा कहता है कि क्या तुम में से किसी ने उस ब्लू गर्ल को देखा है, वो कहाँ पे गई है। और इसी बीच में जो हमारा बॉयज का लीडर होता है वो अपना आपा खोता है और वो पागल होने लगता है, वो कहता है कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वेल इसके बाद ये लोग निकलते हैं यहाँ से कुछ सेफ जगह पे जाने के लिए। तभी हमें हमारे सैड बॉय का बैक स्टोरी दिखाता है जहाँ पे वो एक व्हाइट रूम में बैठा होता है अकेले ही और कुछ न कुछ स्टडीज में घुसा हुआ रहता है वो। यहाँ पे उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी घमंडी लड़की भाग रही होती है ब्लू गर्ल को पकड़ने के लिए और वो पहुंच जाती है एक जगह पे जहाँ पे ब्लू गर्ल उसके ठीक आगे होती है। हमारी घमंडी लड़की उससे कहती है कि ओए तू ही वो ट्रेटर है ना, तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, तू क्या करेगी बता दे, और तू नहीं वो कच्चा चोरी किया था, तो वो कहती है ऑफ कोर्स कच्चा ही मैंने ही चोरी किया है। इस वक्त असल में हमारी जो घमंडी लड़की होती है उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो ब्लू गर्ल बोलती है हाँ मेरे बैग में सब कुछ है, तुम ले लो तुम्हारा कार्ड और यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोल के बैग नीचे रखती है। लेकिन जैसे ही हमारी घमंडी
लड़की बैग लेने जाती है, वैसे ब्लू गर्ल उसको लात मारती है। इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पे लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं और हमारी घमड़े लड़की की हालत बहुत खराब होती है। तभी उसको लगता है कि वो ऐसी वर्दी नहीं है क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया, पूरे साल उसने उसके दोस्तों की बेइज्जती की है, इसीलिए उसे कैसे भी करके उनको रिडीम करना पड़ेगा। बट ब्लू गर्ल इसके ऊपर धपाधप हमला करना स्टार्ट करती है और हमारी घमड़े लड़की कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो खड़ी होती है, इसको पकड़ती है और उसको जोर से एक मुक्का मारती है उसके चेस्ट में, और ब्लू गर्ल की हालत फिर खराब होने लगती है। आई मीन घमंडी लड़की के पास ताकत तो है यार, उसने एक मुक्के में इसकी हालत खराब कर दी। बट उसी बीच में हमारी ब्लू गर्ल घमंडी लड़की को कहती है कि तू डेफिनेटली सैड बॉय को डेट करे ना, और इसमें उसका ध्यान हटता है और ब्लू गर्ल उसको मुक्का मार के बेहोश कर देती है और वहां से वो कट लेती है। लेकिन निकलने के पहले उसको सामने एक आदमी आता है और वो उसको की कार्ड दे देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ब्लू गर्ल उसी पेड़ के पास आती है जहां पे वो बैठी हुई होती है फर्स्ट टाइम, और वो एक वॉकी टॉकी निकाल कर किसी से बात कर रही होती है, और ये बंदा कोई और नहीं क्लास ए का टकलू बॉय होता है। और यहाँ पे इसने एक शीट बना के रखा होता है जिसके अंदर इसने एक्सपेक्ट किया होता है किसको कितने पॉइंट मिलने वाले हैं, और इसका एक्सपेक्टेशन होता है क्लास ए को 544 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये कैसे मिलेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी न किसी के एक स्पॉट को मिसयूज करेगा, उस पे उसका 50 पॉइंट माइनस होगा। एक बंदा ड्रॉप आउट करेगा उसमें 30 पॉइंट माइनस होगा। वो फिर क्लास डी के लीडर का नाम लेगा, उससे उसको 50 पॉइंट और मिलेगा, और ए से लेके पी तक स्पॉट ऑक्यूपाई करेगा वो, तो उससे उसको 274 पॉइंट्स और मिलेगा। और ऐसे उसने पूरा शीट बना के रखा होता है अपने पास। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी घमंडी लड़की अपने नींद से उठती है और उसके बगल में सैड बॉय होता है। सैड बॉय उसको असल में एक पेड़ के पास लाया होता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो बंदी तुमसे भले ही की लेके भागी लेकिन उसको हम लोग पकड़ लेंगे। फिर वो बोलता है कि तुम इतना क्लास ए में घुसने के लिए पागल क्यों हो रही हो, तो वो कहती है कि मैंने मेरे भाई का एक्नॉलेजमेंट चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि वो भी मुझे एक्नॉलेज करे कि मैं भी कुछ हूं, कुछ बन सकती हूं, उसने बचपन से अब तक मुझे हमेशा इग्नोर ही किया है, मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, मैंने हमेशा अकेले रही हूं, मुझे सिर्फ क्लास ए में घुसना है। तभी हमारा हीरो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो इसको लेके गया होता है टीचर से पास और कहता है कि टीचर इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए इसको अभी गेम से बाहर निकलना पड़ेगा और ये ड्रॉप आउट करेगी, इसका ये मतलब है कि इसके 50 पॉइंट्स माइनस होने वाले हैं। वेल इसके बाद यहाँ पे आके सब हमारे बच्चे लोग बैठे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको अभी क्या करना चाहिए, कि उनका की कार्ड गायब है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा सिर्फ इसने हमारे बॉय लीडर को बोला होता है। और सारी की सारी गर्ल्स को सिर्फ ये पता रहता है कि हमारी घमंड लड़की इस वक्त तबीयत खराब है, इसलिए वो बैठी हुई है उदास होकर। यहाँ पे ये लोग टेंशन ले रहे होते हैं कि इनके पॉइंट्स बहुत कम हो चुके हैं, अब क्लास डी डेफिनेटली हारने वाली है। फिर होता है टेस्ट का आखिरी दिन जहाँ पे सारे लोगों को अपना अपना नाम लिखना होता है कि उनको क्या लग रहा है कि कौन से क्लास का कौन बंदा लीडर है और कौन नहीं है, वो एक चीट में लिख के इनको रखना होता है। फिर सब लोग यहाँ पे बैठते हैं एक एक बंदे का नाम लिखने के लिए और सब लोग सोच रहे थे कि अगर हमने सबका बराबर नाम लिख लिया तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मीनवाइल मिस नोस कहती है कि उन लोग को तो 200 पॉइंट मिलने ही वाले हैं उनके क्लास बी को, और यहाँ पे क्लास सी के लोग अपना सामान समेट के आगे बढ़ रहे होते हैं और इनका लीडर सबका नाम लेने के लिए बैठा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि सब लोग ने नाम डिक्लेयर करके दे दिए होते हैं और क्लास ए का बंदा बहुत खुश होता है। यहाँ पे दिखाते हैं क्लास ए बी और डी के लोग होते हैं और सी में कोई नहीं होता, लेकिन उसी वक्त सी का गुंडा जंगल में से बाहर आता और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अकेला मेरे आइलैंड पे रुका हुआ था और सब लोग यहाँ से निकल गए थे। इसकी 7 दिन में दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ चुकी है। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि स्टार्टिंग में ही एनिमे के क्लास ए और क्लास सी ने एक साथ एक एग्रीमेंट कर दिया था कि ये लोग डेफिनेटली अपने अपने पॉइंट्स ट्रांसफर करेंगे और दोनों के साथ एक डील साइन करेंगे ताकि ये लोग एक साथ मिलकर सबका नाम लिख सके। और फिर उसके बाद क्लास सी के हमारे गुंडे ने हमारी ब्लू गर्ल को मैनिपुलेट किया, उसको जानबूझ के मारा और उसको जानबूझ के अपने को हेट करने लगाया ताकि वो इसके प्लान के अंडर में ही रहे। वो चाहता था कि सबको ऐसा लगे सच में इन लोग का झगड़ा हो चुका है और ये बहुत मारता है ब्लू गर्ल को और मैं खो चुकी थी, इसने मारा ब्लू गर्ल को। फिर वो दिखाता है कि उसने डे 2 पे सब लोग को येड़ा बनाया, ये दिखा कि वो आराम से सबके पैसे खर्च कर चुका है और चिल मार रहा है। असल में उसने उसका वॉकी टॉकी ऑन रखा था और वो जंगल में घुस गया और बाकी लोग यहाँ से निकल गए। वो यहाँ पे अकेले ही यहाँ का खराब खराब चीज खा खा के रह रहा था और उसको क्लास ए के लोग खाना दे रहे थे। फिर ऐसे ही जब छठवां दिन आया तो छठवें दिन में उसने ब्लू गर्ल से की कार्ड ले लिया और उसको मालूम पड़ा कि क्लास डी का कौन लीडर है और उसने ये चीज टकलू बॉय को भी दे दिया। फिर इन लोगों ने चेक किया कि हाँ भाई क्लास डी का लीडर हमारी घमंडी लड़की है और उसके बाद इन लोग का एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे टीचर आया उसके पास जीपीएस चेक करके और उससे उसने सारा का सारा नोट लिख लिया और सबका नाम भी ले लिया। वेल फिर उसके बाद हमारे गुंडे बंदे को सब पता था कि क्लास ए का असली लीडर कौन है, वो टकलू बॉय नहीं उसके बगल वाला ग्रीन बॉय था, क्लास बी में ये नॉर्मल लड़की थी और क्लास डी की हमारी घमंडी बंदी थी। और ऐसे इन लोगों ने सबका नाम वाम लिख के इसने क्लास सी ने अपने पॉइंट्स कमा लिए थे और इसका गेस के हिसाब से क्लास ए के पास टोटल 300 पॉइंट थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी उनके 170 पॉइंट्स होने वाले हैं। क्लास बी के ऑलमोस्ट 100 के आसपास पॉइंट्स होने वाले हैं और क्लास सी के 150 पॉइंट्स के भी ऊपर होंगे, ऐसा इसका एस्टिमेशन था और इसको लगता है कि ये लोग जीत गए। उसके बाद सारे के सारे बच्चे आराम से ऊपर बैठ के खाना खाने के पहले होते हैं कि तभी रिजल्ट अनाउंस होता है कि लास्ट प्लेस पे क्लास सी है 0 पॉइंट्स के साथ, और ये सुन के हमारे गुंडे को शॉक लगता है। फिर आती है क्लास ए 120 पॉइंट्स के साथ और फिर आता है क्लास बी 140 पॉइंट के साथ, इसका ये मतलब है कि क्लास डी 225 पॉइंट के साथ जीत चुका है। भाई अब हमारे हीरो ने क्या किया वो जानने में बहुत मजा आने वाला है, कि ये लोग लिटरली 0 पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे कैसे आए, ये तो बहुत इंसैनिटी किया है इसने। उसके बाद सारे के सारे बच्चे अपने शिप पे बैठते हैं और यहाँ पे होता है मिस्टर सिग्मा गीगा
चैट बंदा जो कि आराम से नागड़ा होकर चिल कर रहा होता है। भाई इस बंदे ने कुछ कंट्रीब्यूट किया भी नहीं और ये मस्त चिल मार रहा है। तो रेड बॉय इसके ऊपर भड़कता है, बोलता है भाई तुम कुछ काम के हो ही नहीं। इसके बाद हमारा सैड बॉय मस्त आराम से चल के जा रहा होता है और तभी आती है घमंडी बंदे और पूछते तुमने असल में किया क्या। मीनवाइल यहां पे क्लास ए के जो हमारा टकलू बॉय होता है उसको सब लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, भाई तेरे वजह से हम लोग ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट आए, हमारे सब नाम खराब हो गया वगैरह वगैरह। तो ये खेलो बाल वाला बंदा भी यहां पे आके इसे झगड़ा करना स्टार्ट करता है। उसी बीच में हमें दिखाते हैं कि हमारी मिस नोज के पास अभी भी 2.6 मिलियन पॉइंट्स होते हैं। आई मीन ये बंदे ने इतने पैसे कैसे कमाए मुझे नहीं पता। और यहां पे हमारा गुंडा बंदा ये बिग बॉय से एक शेविंग करवा रहा होता है और तभी ब्लू गर्ल यहां पे आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे हार गए। फिर हमारा हीरो बोलता है कि ओए घमंडी बंदी हमारी लीडर तू नहीं मैं हूं, और वो कार्ड बाहर निकाल के दिखाता है कि असली लीडर असल में ये होता है। वो कहता है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैं टीचर के पास तुम्हें लेके गया और वहां पे मैंने देखा कि एक रूल है जो कि ये बोलता है कि हम लोग हमारे लीडर को चेंज नहीं कर सकते अनलेस कुछ न कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, और तुम्हारी हालत खराब थी इसीलिए मैंने वहां पे जाकर रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें ड्रॉप आउट करके लीडर मुझे बनाए। फिर वो हमको अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है कि उसने नोटिस किया था कि ब्लू गर्ल एक ट्रेडर है, इसीलिए वो गया था ब्लू गर्ल के पास उसकी जगह चेक करने के, और वहां पे उसको एक कैमरा मिला, उसने उस कैमरा में पानी डाल के उस कैमरा को खराब कर दिया ताकि वो हमारे कार्ड का फोटो ले ना सके। उसके बाद उसने बराबर टाइम का वेट किया ताकि जब घमंडी बंदी की तबीयत खराब हो ताकि उसकी तबीयत और खराब हो। फिर उसने छठवें दिन पे हमारे आम वाले बंदे को बोला कि वो घमंडी बंदी को पानी के पास लेके आएगा और वो कार्ड उसके पास से बाहर निकालेगा। फिर मैंगो बॉय को उसके ऊपर मिट्टी डालना है ताकि घमंडी लड़की जाए अपना कपड़ा चेंज करने के लिए, और उसी वक्त ब्लू गर्ल जाएगी तुम्हारा कार्ड चोरी करने के लिए। हर एक चीज इस बंदे के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है भाई। फिर उसके बाद इसने आग लगाया था मैनुअल के ऊपर ताकि सब लोग वहां पे पैनिक वाले स्टेट में आए, और ब्लू गर्ल ने ऐसा नहीं किया था इसलिए वो भी शॉक में थी। मतलब इस बंदे ने पूरा पूरा चीज को ऑर्केस्ट्रेट किया। वो कहता है कि उसने पहले नोट किया था कि जो ए टीम का टकलू बॉय है वो इतना केयरलेस है नहीं कि वो अपने हाथ में कार्ड की को रखा रहेगा, तो उसके अनुमति के हिसाब से ग्रीन वाला बंदा ही डेफिनेटली लीडर था क्योंकि लीडर ही वहां पे लगा सकता है। फिर उसने नोटिस किया था कि जब ये लोग क्लास सी के पास गए थे तो वहां पे वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था और वो किसी से डेफिनेटली बात कर रहा था। फिर हमें दिखाते हैं कि जहां पे इसने ब्लू बंदी को ढूंढा था वहां पे इन लोग को एक बैग मिला था। ऐसे ही इसने हर एक चीज पहले नोट डाउन करके रखी थी और यही सब चीजों के ऊपर दिमाग लगा कि इसने इसका पूरा प्लान कंप्लीट किया। मीनवाइल यहां पे क्लास डी की सब गर्ल्स और बॉयज आते हैं और वो लोग हमारी घमंडी बंदी को थैंक यू कहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ सके, और तो और हमने ये भी मालूम पड़ा है कि तुमने अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी बारिश में उस बंदी का पीछा किया अपनी टीम को बचाने के लिए, तुम सबसे बेस्ट हो। मीनवाइल यहां पे बड़बोली बंदी आती है हमारे हीरो से थोड़ा सिंपैथी पाने के, लेकिन हमारा हीरो उसको भाव देता ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारा हीरो जाता है टीचर के पास और उससे कहता है कि तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो। तो उसकी टीचर बोलती है कि मैं जानती हूं कि अब तुम क्लास ए में जा सकते हो और तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत उम्मीदें हैं। बाय द वे तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाए, तो अब तुम क्या करने वाले हो इकरस, क्या तुम उड़ोगे, उड़ पाओगे कि नहीं उड़ पाओगे। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी घमंडी बंदी हमारे सैड बॉय को पकड़ते और बोलती है मुझे सब मालूम पड़ेगा कि तुमने मुझे एज अ बेट यूज किया और तुमने ये बोला कि हर एक चीज मैंने किया लेकिन ये सब चीज तुमने किया था, तो तुम मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पपेट हूं। तो हमारा हीरो बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट जो भी हो इस दुनिया में हर एक चीज खत्म होती है और मुझे सिर्फ जीतना ही है। और इसी के साथ ये वाले एनिमे का सीजन 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं सीजन 2 बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सीजन 2 भी देखो तो फटाक से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही, मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।